ఓం శాంతి. ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరి విశ్వవిద్యాలయస్మి ఆప్కా హార్దిక్ స్వాగత్ హై స్పిరిచువల్ ఎక్స్పో జో ఆప్ సబ్కే లియే కుచ్ విశేష్ నిత్య నయ కార్యక్రమ్ పేష్ కర్ రహా హై జో బ్రహ్మకుమారిస్ కీ తరఫ్ సే ఆర్గనైజ్ కియా గయా హై. ఔర్ आज हम जिस विंग को लेकर आप सबके सामने आई हैं वो है सिक्योरिटी विंग. ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय पिछले 82 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 137 देशों में मेडिटेशन सेंटर है और जहां पर सिखाया जाता है आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन टेक्निक्स. क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आज है कि हमें अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा में लेके जाना है. हम सभी जीवन में जी तो रहे हैं लेकिन हमारे इस जीवन में जो आनंद, जो खुशी, जो प्राप्ति हमें होनी चाहिए, जबकि हमारी पूरी भाग दौड़ उसी चीज़ के पीछे है, वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है. समझो कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी अपनी पूरी प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो हमें उसके प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं. ऐसे ही हमारी लाइफ भी एक कंपनी है. अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे, खुशनुमा जीवन नहीं जी रहे हैं, हम जो चाहते हैं वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स हमें भी चेंज की ज़रूरत है. तो उस चेंज के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना होगा, इसी विषय को लेकर आज का एक बहुत अच्छा विषय आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपने जीवन को तनाव मुक्त कैसे करें. क्योंकि आज का वो समय है, छोटा सा बच्चा भी बड़े मज़े में कह देगा बस मम्मा मुझे मत कहो मुझे बहुत टेंशन है. शायद उसे टेंशन के स्पेलिंग भी नहीं आते हों पर तो भी उसे टेंशन है. छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों तक, हर एक को टेंशन है. चाहे संबंधों को है, चाहे बॉडी को लेके है, चाहे किसी और चीज़ को लेके है, फाइनेंस को लेके है. तो आखिर हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे इन चीज़ों से फ्री करें. कहते हैं मानव जीवन ईश्वर की देन है, मीन्स गॉड गिफ्ट. तो गिफ्ट कैसी होती है, हैं जी, कैसी होती है? बहुत अच्छी, यूनिक. तो लगता है कि लाइफ यूनिक है, अच्छी है. नहीं, कुछ कुछ उलझने हैं. तो इस उलझनों को हम अपनी लाइफ में कैसे ख़त्म करें और हम समझें कि हम कहीं उलझे हुए हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. इन विषयों को लेकर हमारे बीच में बहुत ही अच्छे हमारे वक्ता हैं, हम उनसे आज सुनेंगे. प्रीति बहन भी अपना स्थान ग्रहण करें, राजकुमार भाई भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे. जब तक हमारे वरिष्ठ आएं तब तक हम स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में सुनेंगे सतवीर सिंह डागर जी से, जो लगभग 20 वर्षों से इस विद्यालय में जुड़े हैं. और आप इनको देख के ही फील कर सकते हैं कि इन्होंने मेडिटेशन में कितनी एनर्जी पाई है. वो एनर्जी आपको इनके बोलने से और इनके व्यक्तित्व से झलकेगी ही. हमारे बीच में हमारे गेस्ट भी पधार चुके हैं. हमारे बीच में कर्नल थापर जी भी पहुंच गए हैं. हम कर्तक ध्वनि से इनका भी स्वागत करेंगे. हमारी आदरणीय दीदी भी कुछ समय में आने वाले हैं. तो हम पहले फूलों से स्वागत करेंगे.
अपने मेहमानों का। हम बहनों से अनुरोध करते हैं कि बुकों से इनका स्वागत करें। इस स्वागत की कड़ी भी चल रही है और साथ साथ आज हमें भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा लाना है, ये संकल्प करना है। अच्छे तो हम हैं ही, तभी तो समाज में चल रहे हैं। थोड़ा सा और अच्छे बन जाएं, बस ये प्रयास हमें करना है। देखो, मूर्ति बनती है तो मूर्ति कैसे बनती है? ऐसे ही बन जाती है? एक बार पत्थर थे, एक पत्थर, उसको मूर्तिकार उठाकर लाया, उसने तराशना शुरू किया, वो पत्थर टूट गया। उसने एक और पत्थर लाया, तराशा, वो भी टूट गया। तीसरा लाया, तराशा, बहुत सुंदर मूर्ति का निर्माण हो गया, मंदिर में स्थापित कर दिया गया। और जब मंदिर में स्थापित कर दिया गया, हमारे मेहमानों का बुक्कों से स्वागत हो रहा है। आप सभी अपनी कर्तक ध्वनि बनाए रखें। डागर भाई जी हैं, प्रीति बहन, राजकुमार भाई, वो जो मूर्ति बन चुकी थी, तो दोनों पत्थर जो टूट गए थे वो आपस में बात कर रहे थे, अगर आज हम भी थोड़ा सहन कर लेते तो हमारा स्थान भी उस मूर्ति की जगह होता। तो अगर हम भी जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, थोड़े से कुछ अपने कदम हम और बढ़ाएंगे। हमारे बीच में अभी डागर भाई साहब आकर अपना वक्तव्य रखेंगे कि हमें अपने जीवन में स्ट्रेस के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय डागर भाई जी। ओम शांति। आज का टॉपिक आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। इस टॉपिक पर बात को आगे बढ़ाने से पहले हमको पहले ये समझना होगा कि स्ट्रेस कहते किसको हैं। कोई लोग कहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ, कोई लोग कहते हैं टेंशन फ्री लाइफ। तो ये टेंशन क्या है और स्ट्रेस क्या है, या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्या समझते हैं, एक ही बात है कि अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। इसको समझने के लिए आपने ज़रूर हमारे बीच में श्री तनवीर जाफर अली साहब तशरीफ़ लाए हैं। आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, हम आपका करतल धवनी से आपका स्वागत करते हैं। तो हमको समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है और टेंशन क्या है। जैसे आपने देखा होगा एक स्प्रिंग होती है, अगर आप उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना करें तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहती है और कंफर्टेबल रहती है। यदि आप स्प्रिंग को दोनों किनारों से पकड़ के और उसको खींचें, वो खींचेगी। तो इसको कहा जाता है हिंदी में खिंचाव, और इंग्लिश में इसको कहेंगे टेंशन, स्ट्रेन, खींचना, टेंशन। जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसके ऊपर ये टेंशन अप्लाई हो रही है। और इसी स्प्रिंग को यदि हम दबाएं, कंप्रेस करें, प्रेस करें, तो इसको कहेंगे स्ट्रेस, दबाव। तो दबाव एक अलग चीज़ हुई और तनाव एक अलग चीज़ हुई। दबाव माना स्ट्रेस और तनाव माना टेंशन, और टेंशन यदि एक लिमिट से आगे चली जाए तो हाइपरटेंशन। ये दोनों की दोनों स्थिति मनुष्य के लिए खराब है, चाहे दबाव हो चाहे तनाव हो। दोनों ही परिस्थितियों में आदमी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, और जब अनकंफर्टेबल फील करता है तो उसकी कार्य करने की शक्ति भी कम हो जाती है, सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, और सबसे बड़ी बात
जब ये दोनों चीज़ें मनुष्य के पास होती हैं तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा BPI हो जाता है, जब BPI हो जाता है तो इरिटेशन, गुस्सा, एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, इम्पल्सिवनेस, गुस्सा, ये सारी की सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये टेंशन के कारण होता है। और स्ट्रेस में क्या होता है, BP लो हो जाता है, उदासी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी CBSE के भी शुरू होने वाले होंगे। एग्ज़ाम से पहले आपने देखा होगा हर बच्चा टेंशन में है, और जब रिजल्ट निकलती है तो टेंशन ख़त्म हो जाती है, जो फेल होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले कभी नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे ने एग्ज़ाम के डर से सुसाइड किया हो, लेकिन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट होता है तो जो फेल होते हैं उनमें से कई सुसाइड कर लेते हैं। ये सुसाइडल थॉट्स आते ही तब हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। आपने कई बार अखबारों में देखा होगा कि बॉर्डर पर जो जवान पोस्टेड है उसको छुट्टी नहीं मिली, घर में बहुत ज़रूरी काम था, बहन की शादी थी, कोई बीमार था या और कोई उसका कोई ऐसा काम था, छुट्टी मांग रहा है, छुट्टी नहीं मिली, उसको गुस्सा आया, उसने अपने सीनियर को गोली मार दी। और कभी कभी आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि किसी जवान ने खुद को ही गोली मार ली और खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। दोनों परिस्थितियाँ भिन्न हैं, दोनों परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और दोनों ही घातक हैं। चाहे दूसरे को गोली से मारा वो भी गलत है, चाहे खुद को सुसाइड कर लिया वो भी गलत है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों सिचुएशंस में फ़र्क है। टेंशन कब होता है, जब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे सामने करने के लिए कुछ है और हम कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, घर में कोई बीमार है, मेरे को छुट्टी जाना है, मैं छुट्टी मांग रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ छुट्टी मिल जाए तो घर जाऊँ, मैं ये करूँगा। नहीं मिली तो गोली मारी, और इस बीच में अगर उस परिस्थिति को वो झेल गया लेकिन छुट्टी ना मिलने के कारण घर में कोई नुकसान हो गया और वो नुकसान ऐसा हो गया जिसकी अब भरपाई नहीं हो सकती, तो फिर आदमी डिप्रेशन में जाता है, फिर उसको लगता है ज़िंदगी बेकार है, किसी काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जीने का, फिर वो सुसाइड करता है। जैसे हम बच्चों के मामले में हम कहें, अभी बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम है, सबको क्या फ़िक्र है, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, टेंशन क्रिएट की हुई है, पेरेंट्स ने भी की हुई है, 95 से नीचे तो मार्क्स हमको एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब बच्चा टेंशन में है, वो टेंशन तो जब से पैदा होता है तभी से शुरू हो जाता है पेरेंट्स को, तो 2 साल का होगा तो किस स्कूल में एडमिशन कराना है ये टेंशन है, और बड़ा होगा तो और किस अच्छे स्कूल में भेजना है वो टेंशन है, स्कूल हो जाएगा तो किस कॉलेज में जाएगा वो टेंशन है, फिर उसके बाद में उसको जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो टेंशन है, तो टेंशन ही टेंशन है। तो जब बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो इस बात की टेंशन है कि मेरे को 95% लाने हैं, नहीं तो मेरे माता पिता खुश नहीं होंगे। अब वो इसके लिए जोर लगा रहा है, अपने जो टारगेट उसकी लाइफ का है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इम्पल्सिवनेस बढ़ रही है, एग्रेसिवनेस बढ़ रही है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है, इरिटेटेड हो गया है। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में मानो उसके 85% मार्क्स आए, तब लगता है कि मैं अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तब उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाता है, और अक्सर करके बच्चे सुसाइड इस स्टेज पर ही करते हैं। तो ये दोनों की दोनों परिस्थितियाँ, चाहे टेंशन की हो चाहे स्ट्रेस की दोनों परिस्थितियाँ ख़राब हैं। अब ये बीमारी है कहाँ की, परेशानी कहाँ है, इस टेंशन या स्ट्रेस के जो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े घातक हैं। टेंशन और स्ट्रेस के कारण BP का हाई होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, आर्टरीज ब्लॉक हो जाना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज करती है जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस हो जाना, पेट का डाइजेशन ख़राब हो जाना, आर्थराइटिस हो जाना,
किडनी की प्रॉब्लम हो जाना, ऑलमोस्ट 80% जो बीमारी हैं हमारे शरीर की वो स्ट्रेस या टेंशन से रिलेटेड है, और इनमें से भी जो अधिकतर बीमारी हैं वो दिल और दिमाग से संबंधित हैं। दिल और दिमाग की जितनी भी बीमारियां हैं वो या तो स्ट्रेस के कारण है या टेंशन के कारण है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप ये समझें कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब ये जो इतनी सारी बीमारियां हैं, 80% बीमारियां, उनमें से भी अधिकतर बीमारियां दिल और दिमाग से जो संबंधित हैं, जिससे अधिकतर लोग आज के ज़माने में, आज के समय में पीड़ित हैं। वंडरफुल बात यह है कि किसी भी मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का इलाज नहीं है। अगर आपको टेंशन है, टेंशन एक लिमिट से क्रॉस कर गई है, हाइपर टेंशन है, बीपी आपका बहुत हाई रहता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको एक गोली लिख देगा, रोज़ सुबह खा लिया करो। उस गोली से क्या होगा, उस गोली से आपका जो बीपी है वो डाउन हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। इस दवाई को कहते हैं सप्रेसेंट, नाम बहुत हैं लेकिन दवाई सप्रेसेंट जो इनको दबाती है। और अगर आपका बीपी लो रहता है तो एक दूसरे किस्म की दवाई दे देगा, उसको कहते हैं स्टिमुलेंट, वो आपके बीपी को थोड़ा सा उठा देगी। लेकिन ये दवाइयाँ केवल उस बीपी जो हाई है उसको कम कर देगी, या जो कम है तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगी लेवल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को कोई भी दवाई क्योर नहीं करती। इसका कोई इलाज एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में या आयुर्वेद में नहीं है। सारे अगर आपको बीपी हाई होना शुरू होगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ज़िंदगी भर रोज़ सुबह एक गोली खाते रहो, बस यही इलाज है। तो ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। अब इसका इलाज क्यों नहीं है ये भी समझने की बात है। मेडिकल साइंस, चाहे वो कोई सी भी पद्धति हो, वो हमारी फिजिकल बॉडी का इलाज करती है, और ये टेंशन और स्ट्रेस ये फिजिकल बॉडी का सब्जेक्ट नहीं है। ये टेंशन या स्ट्रेस जनरेट होता है हमारे कहाँ, मन के अंदर, हमारे मन के अंदर जनरेट होता है, और मन की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। बीपी हाई हो गया, उसके लिए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाई दे देगा बीपी को कंट्रोल करने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन बीमारी जनरेट क्यों हुई, क्योंकि मेरे मन के अंदर स्ट्रेस है या टेंशन है, और मन की बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। अब ये जो मन की बीमारी है, ये मन की बीमारी क्यों हुई मन को, जब रिजल्ट आउट होता है तो फेल तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन सभी तो सुसाइड नहीं करते, कुछ ही लोग करते, कुछ ही बच्चे करते हैं, गिने चुने करते हैं, सब तो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि अब मौसम बदल रहा है, जब भी मौसम बदलता है, चाहे तो सर्दी से गर्मी आए या बरसात के दिनों में अक्टूबर नवंबर के महीने में जब सर्दियां शुरू होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मौसम तो सबके लिए बदल रहा है, फिर सबको जुकाम खांसी क्यों नहीं होता, कुछों को होता है बाकियों को नहीं होता। या एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप बारात में कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, वहाँ 500 लोगों ने खाना खाया, खाना सब ने वही खाया, लेकिन 50 लोगों को दस्त लग गए, क्या कारण हुआ 450 को नहीं लगे? जिन 50 को दस्त लगे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है। इसी प्रकार से मौसम बदलने पर जिन आदमियों को, जिन मनुष्यों को जुकाम खांसी ने घेर लिया, उनकी इम्यूनिटी वीक है। ये फिजिकल बात है, फिजिकल बॉडी से संबंधित है। उसके लिए कहते हैं भाई आप च्यवनप्राश खाओ, आंवला खाओ, एक्सरसाइज करो, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इम्यूनिटी वीक है, उसके इम्प्रूव करने का इलाज है फिजिकल बॉडी। तो ये हमारी इमोशनल इम्यूनिटी है। स्ट्रेस सिचुएशन सबके सामने सेम है, बोर्ड का एग्ज़ाम कोई एक बच्चा नहीं दे रहा है, सारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन सब टेंशन या हाइपरटेंशन में नहीं है। फेल भी बहुत होंगे, सैकड़ों फेल होंगे, लेकिन वो सारे के सारे सुसाइड नहीं करेंगे। कौन सुसाइड करेगा? जिसका मन कमज़ोर है, जिसका मन कमज़ोर है वो सुसाइड करेगा, क्योंकि वो जो जीवन में परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी, वो सबके सामने आती हैं, उनसे हमको जूझना है। जूझने की ताकत हमारे अंदर, वो फिजिकल ताकत की बात नहीं है। एक आदमी शरीर से बहुत हट्टा कट्टा हो सकता है लेकिन मन से कमज़ोर हो सकता है,
एक आदमी शरीर से कमजोर हो सकता है लेकिन मन से वो शक्तिशाली हो सकता है। तो मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? आज हम मेजॉरिटी लोग या तो टेंशन से या स्ट्रेस से पीड़ित हैं, मेजॉरिटी। कोई ऐसा मुश्किल मिलेगा जो कहे ना मेरे को टेंशन है ना मेरे को स्ट्रेस है। तो ये टेंशन और स्ट्रेस हमको होवे ही ना, परिस्थितियां जीवन में आएं और हम अंदर से इतने शक्तिशाली हों, हमारी आत्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली हो, हमारी जो मन की शक्ति है वो मन इतना शक्तिशाली हो कि हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकें, हम उन परिस्थितियों को फेस कर सकें, कुछ भी हो सबके सामने आ रही हैं। तो मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? अब जैसे फिजिकल शक्ति, अगर मैंने कहा भाई अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, उसको जुकाम खांसी हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए किसी की इम्यूनिटी वीक है या सेहत कमज़ोर है तो तीन बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी होती हैं। एक तो अच्छी खुराक, एक एक्सरसाइज और तीसरी बात परहेज। अगर कोई आदमी शरीर से कमज़ोर है वो अच्छी खुराक लेना शुरू कर दे, दूध खाए, घी खाए, ड्राई फ्रूट ले, दूसरे फ्रूट्स ले, अच्छी खुराक ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले और कुछ एक्सरसाइज भी करें, और तीसरी बात परहेज, जो चीज़ें नुकसान देने वाली हैं उनका परहेज रखे, तो उसकी सेहत ठीक हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो लाइकवाइज हमारा जो मन कमज़ोर है उसको शक्तिशाली बनाने के भी यही तीन तरीके हैं। मन के लिए चाहिए अच्छी खुराक, और खुराक हम मन को क्या दे रहे हैं? मन की खुराक है संकल्प, विचार, थॉट्स। मन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो मन की खुराक है। कैसे जा रही है? आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा या हमारे सोचने मात्र से भी। तो हम देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, किस वातावरण में हम रह रहे हैं, कैसी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है। अभी बहन ने एक एक्सरसाइज कराई, उसमें दो बातें थीं। एक ये था कि जो जीवन की परेशानियाँ हैं उनको डिस्कस करो, तो हमारा फेस टेंस हो गया। दूसरी एक्सरसाइज कराई, भाई अच्छी बातें शेयर करो, तो फेस खुश हो गया। आप सबने देखा होगा हमारे जीवन में यदि पास्ट में कुछ ऐसा हमारे साथ गलत हुआ है, यदि वो हम याद करने लगें तो याद करते करते हमारा चेहरा उदास हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, मतलब फेस के जो चेहरे के हमारे भाव हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और इसके विपरीत यदि हमारे लाइफ में कुछ अच्छी बातें हमारे साथ हुई हैं उनको यदि हम याद करने लगते हैं, उनके बारे में हमारा चिंतन चलने लगता है, तो चेहरे पर रौनक आ जाती है, खुशी आ जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो जा रही है जो हमारे मन को कमज़ोर कर रही है। जैसे आजकल हम लोग पॉल्यूशन की बात करते हैं, आप दिल्ली में और NCR में बहुत पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन है तो वो तो है, उसका अब क्या किया जाए? उसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो हो रहे हैं, सरकार के द्वारा भी या और जो दूसरे संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी जो हो सकते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन है तो है और हमको उसी में, उसी पॉल्यूटेड एयर में जीना सीखना है। शहर छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे, नौकरी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, रहेंगे तो यहीं, लेकिन वो जो दूषित हवा है उसको हम अंदर लेने के लिए बाध्य हैं, हमको लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर ना हो उसके लिए हमारे को अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है। बहुत लोगों को एस्थमा होगा, खांसी होगी, ब्रोंकाइटिस होगा, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं होगा और उसको झेल जाएंगे, जिनका जो अपना ये फिजिकल बॉडी है और अपना सिस्टम अंदर का ठीक है, अच्छा है। तो इसी प्रकार से आजकल के ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन हमारे मन के अंदर जा रही है वो सब क्या है? इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वायलेंट फिल्में, नेगेटिव सीरियल आदि आदि। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हमारे, हम जो देख रहे हैं, टीवी पे सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं या और जो बातें देखते हैं, ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? ये है इमोशनल पॉल्यूशन। और इमोशनल पॉल्यूशन क्या कर रहा है? हमारे मन को कमज़ोर कर रहा है।
और जब हमारा मन कमजोर होगा तो क्या होगा, हमारे कर्म खोटे होंगे। कहा जाता है कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं तो करने से पहले सोचना होता है, उस कार्य को करने का विचार हमारे मन के अंदर आता है, संकल्प आता है, और जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं, और फिर जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हम फल भोगते हैं। ये एटर्नल लॉ है। आप अच्छे कर्म करेंगे हम तो अच्छे फल मिलेंगे, और खराब कर्म करेंगे तो खराब फल भुगतना पड़ेगा। तो आज दुनिया में जो दुख और अशांति है, मारामारी है, कलह कलेश है, उसका कारण क्या है? हमारे कर्म। हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हमने बोया है वैसा ही हम काट रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा क्यों बोया? क्योंकि बीज ही खराब था। बीज क्या था? संकल्प। कर्म का बीज संकल्प, थॉट्स, विचार। और विचार हमारे खराब क्यों हुए? क्योंकि मन के अंदर इन्फॉर्मेशन वैसी जा रही है जो हमारे मन को पॉल्यूट कर रही है, हमारे मन को खराब कर रही है। तो मन हमारा शक्तिशाली हो जाए, इन सब बातों से हट जाए, मन को शक्तिशाली करने के लिए पहली बात क्या? अच्छी खुराक। अच्छी खुराक क्या? अच्छे संकल्प, अच्छे विचार, अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छे सीरियल, अच्छी बातें हम सुने, देखें, शेयर करें। तो मन को जब अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपने देखा होगा ये, आप गलत चीज़ देखना शुरू करो आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। जब आप मंदिर में जाते हैं तब आपकी मेंटेलिटी क्यों बदल जाती है? अभी आप कैमरे देखने के लिए जाओ तो आपकी मेंटेलिटी कुछ और हो जाती है। अभी आप मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हमारी सोच बदल जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो जैसा हमारे अंदर जा रहा है मन के अंदर, वैसा ही मन हमारा हो रहा है। तो अच्छे विचार मन के अंदर आएंगे, ये मन को शक्तिशाली बनाएंगे। दूसरी बात, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? मन की एक्सरसाइज। सबसे बढ़िया मन की एक्सरसाइज वो राजयोग मेडिटेशन जो हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। इस राजयोग मेडिटेशन में क्या होता है? अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी। हम शक्तिहीन हैं, मन हमारा कमजोर है, मन शक्तिशाली नहीं है। मन को शक्ति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि मन जो है वो आत्मा के अंदर है, मन और बुद्धि। तो जब आत्मा कमजोर है इसलिए मन भी कमजोर है, और बुद्धि भी हमारी राइट डिसीजन नहीं लेती। तो हमारी बुद्धि भी राइट डिसीजन ले, हमारा मन भी शक्तिशाली हो जाए, उसके लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना जरूरी। और आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? आत्मा शक्तिशाली तब बनेगी जब सर्वशक्तिवान से उसका कनेक्शन होगा। सर्वशक्तिवान से कनेक्शन होगा तो सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ अपने आप आत्मा के अंदर आएंगी और आत्मा में बल भरेगा, मन हमारा शक्तिशाली होगा। और परहेज किस चीज़ का रखना है? ये जो नेगेटिव चीज़ें मैंने अभी बताई, इन सब चीज़ों से हमको बचना है। तो ये तीन काम यदि हम करें तो हमारा मन शक्तिशाली हो जाए, और मन शक्तिशाली जब होगा तो जो जीवन में परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उन परिस्थितियों के कारण जो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, जिस कारण से हमें स्ट्रेस या टेंशन होता है, तो मन हमारा सक्षम होगा उन परिस्थितियों को झेलने के लिए, और वो परिस्थितियां हमारे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। एक और अच्छी बात जो हमारे यहाँ इस राजयोग मेडिटेशन के साथ में, जो ये राजयोग का ज्ञान है, इसको आप ऐसे समझिए, आप में से बहुत लोग शौकीन होंगे क्रिकेट मैच देखने के। एक एग्जांपल आपको छोटा सा दे रहा हूँ। आपने बहुत ऐसे मैच देखे होंगे जिनमें 50वें ओवर के आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर डिसीजन होता है। कई बार मैच ऐसा अटक जाता है कि आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर तीनों संभावनाएं बनी हुई हैं, टीम जीत भी सकती है, हार भी सकती है, और मैच टाई भी हो सकता है। और मैच वो जो 4 घंटे 6 घंटे का मैच जब चलता है और जब उसको हम देखते हैं तो हमारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती रहती है। जब हमको लगता है कि हम मैच जीत जाएंगे, ये उन लोगों के लिए है खासतौर से जो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, जिनका जो क्रिकेट प्रेमी है, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे बहुत हैं जो इमोशनली बहुत डीपली अटैच्ड होते हैं। तो जब मैच आगे चल रहा है और हमको लगता है हम जीत जाएंगे तो वी फील एक्साइटेड, हम खुशी में आ जाते हैं, वाह वाह वाह
बहुत अच्छा, अब तो जीत ही जाएंगे पक्का। और अगले ओवर में 3 विकेट गिर गए, अब हमको लगता है हम हार जाएंगे तो डिप्रेशन में आएंगे, एकदम से हमारा मूड लो हो जाएगा, भाई बस मैच हार गए। तो जैसे जैसे वो मैच चलता है, जब जब हमको लगता है हम जीत जाएंगे वी फील एक्साइटेड, जब जब हमको लगता है कि हार जाएंगे वी फील डिप्रेस्ड। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते और मैच आखिर में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आ गया, अब सांसें अटकी हुई हैं। कमेंटेटर कहता है जो दिल के मरीज हैं वो इस मैच को ना देखें, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है हार का झटका ना झेल सकें और हार्ट अटैक हो जाए। तो वो कहता है ऐसा जो दिल के कमज़ोर हैं वो इस मैच को ना देखें। अब आप मान लीजिए कि उस आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर धोनी साहब ने छक्का मार दिया और आप मैच जीत गए, अब आपकी खुशी का तो कोई पारावार नहीं है, बेहद खुश हैं, लेकिन जो 6 घंटे आपके ऐसे ऐसे बीते हैं उनका अब क्या है? जो 6 घंटे कभी आपको लगा हम जीत जाएंगे तो आप खुशी में आए, फिर लगा हार जाएंगे तो आप गमी में आए, वो तो अब रिटर्न नहीं हो सकता। भले मैच जीत गए हो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने झेला 6 घंटे का, जो अपने दिल के ऊपर और दिमाग के ऊपर जो ये बोझ झेला, उसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसी मैच का यदि आप अगले दिन क्या देखें, दोबारा से इस मैच को देखें, रिकॉर्डिंग फिर से देखें इस मैच को जो आपने पहले दिन लाइव देख रहे थे, अब इसकी रिकॉर्डिंग अगले दिन आप देखें, तो क्या होगा? जैसी फीलिंग्स आपको पहले दिन आ रही थी ये ऊपर नीचे हारेंगे जीतेंगे हारेंगे जीतेंगे, वैसी फीलिंग अगले बार जब इस मैच को दोबारा देखोगे तब आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? इसलिए नहीं आएंगी कि आपने पूरा मैच देखा हुआ है और आपको पता है कि भले हमारे एक ओवर में 3 विकेट चले गए कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी ओवर में छक्का हमारे कप्तान साहब ने मारा और मैच हम जीते थे, कल ही मैंने देखा है, तो आज भी जीतेंगे आज। बल्कि क्या होगा कि आज आप इस पूरे मैच को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। जब दूसरी टीम का खिलाड़ी अच्छा खेल रहा होगा तो आज आप उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, कल आप उसको गाली दे रहे थे, लेकिन आज आप अगर वो अच्छा गेम दिखा रहा है तो आज उसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि मैच का रिजल्ट आपको मालूम है। तो ये जो ज्ञान यहाँ पर परमात्मा हमको दे रहे हैं, परमात्मा त्रिकालदर्शी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देके हमको भी मास्टर त्रिकालदर्शी बना देते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे सतयुग बीता, कैसे त्रेता बीता, कैसे द्वापर बीता, कैसे हम कलयुग में आए और कैसे अब ये कलयुग की जो समस्याएं हैं इनसे इनको हम झेल रहे हैं और आगे अभी क्या होने वाला है, सृष्टि चक्र के अनुसार कलयुग को जाना है, सतयुग को आना है। जैसे खेत में नई फसल लगानी होती है तो पुरानी को काटना पड़ता है, सतयुग आएगा तो यहीं आएगा ना इसी धरती पर, तो कलयुग को जाना पड़ेगा, फिर उसमें इस सारे चक्र में हमारा क्या पार्ट है, ये सारा का सारा ज्ञान परमात्मा यहाँ हम बच्चों को देते हैं। और जब हमको ये पता पड़ जाता है कि कल हम क्या थे और आज हम जो कुछ भी हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है ये भी हमको मालूम है, तो आज की टेंशन सारी क्या हो जाएगी। मानो आज कोई आदमी कर्ज में डूबा हुआ है और उसको इस बात की टेंशन है कि ढेर सारा कर्ज है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, पैसा पास में नहीं है और मैं कर्ज ले लेके लोगों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कर्ज ले लेके बेटी की शादी कर रहा हूँ, आदमी को टेंशन है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि 1 महीने बाद मेरी लॉटरी निकलेगी 10 करोड़ की और ये उसे पता हो कन्फर्म पक्का निकलेगी, तो इस कर्ज से वो फिर दुखी होगा, टेंशन में आएगा? उसको मालूम है मेरी तो लॉटरी निकलनी है 10 करोड़ की, कर्ज चाहे मेरे पे जाए जितना मर्जी हो जाए, 1 महीने की तो बात है, अगर ये बात पक्का मालूम हो तो। तो परमात्मा क्योंकि सत्य है, वो जो बोलता है वो सत्य ही बोलता है, वो सत्य नहीं बोलता। तो यहाँ परमात्मा का ये ज्ञान सुनने से हमको पता पड़ता है जब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं और कल हम क्या होने वाले हैं। तो जब हमें ये पता पड़ता है हम ये होने वाले हैं तो आज की समस्याएं हम सहज रीति से फेस कर सकते हैं, वो सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो ये जो स्ट्रेस और टेंशन, ये मन की तकलीफ है, मन की प्रॉब्लम है, जिसका इलाज दुनिया में डॉक्टरों के पास नहीं है।
और मन को शक्तिशाली, हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ बहन राजयोगी राजयोगिनी बी के शुक्ला दीदी, जो सिक्योरिटीज सर्विसेज विंग की चेयरपर्सन भी हैं, वो हमारे बीच में आ गई हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से बहन जी का स्वागत करते हैं। तो ये जो समस्या है स्ट्रेस की या टेंशन की, वो मानसिक है, दिल से संबंधित है, मन से संबंधित है, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसका इलाज भी फिजिकल इलाज करने वाले डॉक्टरों के पास नहीं है, इसका इलाज केवल और केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, इसके अलावा इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। कई लोग सोचते होंगे भाई परमात्मा से कनेक्ट होने से हमारा स्ट्रेस कैसे दूर हो जाएगा या हमारी टेंशन कैसे दूर हो जाएगी, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। बहन जी ने जैसे मेरा परिचय दिया, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड ACP हूँ और पिछले 20 साल से इस राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। जब मैंने इस राजयोग को सीखना शुरू किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 160 और 100 से ऊपर रहता था बहुत सालों से। पहले छोटी पावर की गोली खाता था रोज़ सुबह एक, कुछ सालों तक वो खाई, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर और हाइपोटेंसी की लेनी शुरू की, फिर उसके बाद और हाइपोटेंसी की लेनी शुरू की, और हर वक्त चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा, एग्रेसिवनेस, क्रुएल्टी, थोड़ी देर के लिए छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा आ जाना, और गुस्सा भी इस हद तक आ जाना कि पता नहीं क्या कर देते थे। ये अच्छा नहीं लगता है मेरे को यहाँ कहना कि कसाई भी जानवर को ऐसे नहीं काटता जैसे मैं आदमी को काटता था, और मुझे रहम नहीं आता था, इतना गुस्सा मेरे अंदर था और इतना BP मेरा हाई रहता था। और जब से मैंने इस राजयोग का अभ्यास शुरू किया, कुछ सालों के अंदर ही वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, जो दवाई की पोटेंसी थी वो डाउन हुई, और मैं अब पिछले 15 साल से आपके सामने खड़ा हूँ, पिछले 15 साल से मैं BP की कोई दवाई नहीं खाता, और मेरा BP 100% एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब मेरे को ये BP हाई रहता था और गुस्सा आता था तो मेरे को लगता था कि यही मेरी ताकत है, क्योंकि मेरा जॉब इस टाइप का था कि बदमाशों को कंट्रोल करने के लिए मेरा एग्रेसिव होना ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर लोग मुझे ही बेच के खा जाएंगे। तो ये भी मेरी सोच गलत थी। धीरे धीरे इस राजयोग के अभ्यास करने से मेरा BP पहले कम होना शुरू हुआ, 15 साल हो गए, BP बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं कोई दवाई नहीं खाता। और जब मैंने ये राजयोग का अभ्यास शुरू किया तब मैं सीमापुरी थाने का SHO था, वो मेरी पहली पोस्टिंग थी एज SHO। उसके बाद मैं 6 और थानों में SHO रहा, कुल मिला के 7 जगह पर दिल्ली के अंदर। और बाद में प्रमोट होने के बाद 4 साल मैं जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल, उसके एक जोन का इंचार्ज रहा। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि जितना सक्सेसफुल मैं जब था, जब मैं बहुत एग्रेसिव था और गुस्से वाला था, उससे कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैं तब हुआ जब मेरा दिल दिमाग ठीक हो गया और मेरा BP कंट्रोल हो गया। मैं तब ज़्यादा बैलेंस्ड रहा, एक्यूरेट और राइट डिसीजंस लिए, ज़्यादा वाहवाही हुई और ज़्यादा अच्छी मैंने सफलता को प्राप्त किया। और इस सब के चलते हुए 2014 में मेरे को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। तो ये है राजयोग का कमाल। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये तो हमारी बीमारी हमारी है, हम भगवान को याद करेंगे, भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी ये बीमारी कैसे दूर होगी। मैं जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने हूँ। आप जब इस अभ्यास को करेंगे तो 100% आपके मन को शक्ति मिलेगी। जब तक ये मोबाइल हमारे हाथ में नहीं आया था तब कोई सोच सकता था क्या कि हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और इंटरनेट के द्वारा सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में होगी, कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन आज हम सब यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, हम भले ना जानते हों कैसे होता है लेकिन प्रैक्टिकल में तो हम कर रहे हैं ना। और ये एक छोटा सा डब्बा हमारे हाथ में, इससे कहीं कोई तार भी नहीं जा रहा, तो ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी दुनिया की इसमें आ रही है, कैसे आ रही है? आ रही है ना किसी तरीके से। तो यदि मनुष्यों की बनाई हुई
टेक्नोलॉजी से सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे सामने हमारे हाथ में आ सकती है, तो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उससे कनेक्ट होने से क्या उसकी ताकत उसकी शक्तियां हमारे अंदर नहीं आ सकती हैं? तो अब वो ऑलमाइटी कौन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। हम किसको कहें सर्वशक्तिवान, हम किसको कहें भगवान, कौन है वो और उसके साथ जुड़ने की विधि क्या है, कैसे हम उससे कनेक्ट हों, दोनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन है, उसका यथार्थ परिचय क्या है जिससे हमको कनेक्ट होना है, और दूसरा उससे कनेक्ट होने की एक्यूरेट विधि क्या है। इस बात के ऊपर हमारी अगली वक्ता वो प्रकाश डालेंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डागर भाई जी का, जिन्होंने मेडिटेशन के थ्रू बताया उनको उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया। तभी कहा था आप इनके व्यक्तित्व से और इनके चेहरे से जान सकते हैं कि 20 साल का ये मेडिटेशन प्रैक्टिस इनको कहाँ तक पहुँचा सकती है, और अगर हम भी अपनी लाइफ में इसको अपनाएंगे तो हमारे जीवन में भी चार चांद अवश्य लगेंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। अभी हमारे बीच में एक शुक्ला दीदी जी पहुँच चुके हैं, हम बहनों से अनुरोध करते हैं कि उनका बुक्को से स्वागत करेंगे। और साथ ही हमारे बीच में पहुँचे हैं शिव सिंह भाई जी जो नेवी कमांडर हैं, ये भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम सब इनका भी कर्तक ध्वनि से स्वागत करेंगे और बहनें बुक्कों से इनका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा एक दौर चल रहा है जिसमें हम सब तनाव से मुक्त होने की कुछ टेक्निक सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने बताई कि कैसे क्रिकेट का मैच हमारी लाइफ को कैसे ऊपर नीचे कुछ पलों में कर सकता है, और जिंदगी में तूफानों का काम है आना, तूफान तो आएंगे ही। जब तूफान आता है जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो कमज़ोर पेड़ गिर जाते हैं, और जो मजबूत पेड़ होते हैं वो जीवन में टिके रहते हैं। तो मुझे भी अपनी लाइफस्टाइल को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग बनाने की टेक्निक ही मेडिटेशन है। अभी हमारे एक अजीज़ भाई को थोड़ी जल्दी हैं, हम पहले उनकी ग्रीटिंग्स लेंगे। हम उनको अनुरोध करते हैं कि वो आकर अपनी ग्रीटिंग्स देंगे। तनवीर जाफ़र अली जी ये आकर जो IAS हैं ये आकर अपनी ग्रीटिंग्स हमारे आगे रखेंगे। तनवीर जाफ़र अली जी सबको ओम शांति। हमारे बीच बैठी हुई राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, कर्नल डागर साहब, श्री डागर साहब, कर्नल थापर साहब, सिस्टर प्रीति जी, श्री राजकुमार, सिस्टर लीना, मैं अपने दोस्त और भाई गिरीश पाराशर जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका बड़ा बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक इतने अच्छे आयोजन में और इतने अच्छे लोगों के बीच में यहाँ आने का मौका दिया। अभी आपको डागर साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ बताया मेडिटेशन के फ़ायदे और स्ट्रेस का जो उन्होंने रीज़न बताया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो आप हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण बता रहे थे, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, इरिटेशन, वो ज़्यादातर पति जानते हैं, उन सारी अवस्थाओं को सारे पति जो हैं खूब अच्छी तरह जानते हैं, और लो ब्लड प्रेशर की दवा अपनी वाइफ्स को खिलाते रहते हैं, कभी उसका असर होता है कभी नहीं होता है। खैर, आप यहाँ मैं जो कुछ भी मुझे अभी समझाया गया और मैं उससे पहले भी मैंने देखा है, मैं बहुत प्रभावित हूँ इस मूवमेंट से जो 1930 में दादा लेखराज कृपलानी द्वारा शुरू किया गया सिंध प्रांत में।
आपका सबसे बड़ा, मैं एक बार पहले भी जब आपके फंक्शन में गया था तो मैं आपका जो अभी अभी यहाँ वो फोटो नहीं लगा है, प्रदर्शनी में है, जिसमें एक लाइट परम परमेश्वर की है, नीचे विभिन्न धर्म हैं, अपने अपने मानने के तरीके हैं, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था कि ये यही सार है, यही एसेंस है, यही सब कुछ है आपका जो ये संदेश है। मेरा भी हमेशा से यही मानना रहा है कि हम लोगों के पुकारने के नाम फर्क पड़े हो सकते हैं, धर्म फर्क हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सबका एक है, परमात्मा एक है। जैसे कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, कोई बीए करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीआर करता है, लेकिन करते क्या हैं सब? ग्रेजुएशन। तो उसी तरह से परमात्मा एक है, पुकारने के नाम फ़र्क हो गए वो एक बात अलग है। हम लोगों को अगर मेडिटेशन की बात, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन का असली मतलब परमात्मा की तरफ जाना और सब कुछ भूल के ध्यान करना। अगर आप सब कुछ भूल के ध्यान करने की क्षमता करते हैं तो आपका वाकई मस्तिष्क में जितना स्ट्रेस ये सब है वो बहुत शुद्ध हो जाएगा। अब वो मेडिटेशन आपके डेली रूटीन में भी हो सकता है। आप अगर काम करते हैं तो उसको मेडिटेशन की तरह करिए, कुछ और मत सोचिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो मेडिटेशन की तरह ड्राइव करिए, उसमें कुछ और मत सोचिए। आप जो भी काम कर रहे हैं मेडिटेशन की तरह करिए। मेडिटेशन का मतलब एक सुरंग, एक टनल के अंदर हैं आप, जिसमें आप दाएं बाएं कुछ नहीं देख सकते, आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, और वो टनल का जो छोर है जहां आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे, और वही परमेश्वर वहां पर रहता है। मैं समझता हूं इससे अच्छा मेडिटेशन कोई नहीं हो सकता, जब आप बिल्कुल लीन हो जाएं उसके अंदर, वही असली मेडिटेशन है। आप देखिए अलग अलग धर्मों में कोई धर्म नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म से नफरत करो, ये तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। बुद्धिज्म आया, गौतम बुद्धा ने भी यही मैसेज दिया कि हैप्पीनेस और सफरिंग ओनली एग्जिस्ट विद इन द माइंड, यानी ये हैप्पीनेस और सफरिंग, सुख और दुख केवल आपकी मानसिक अवस्था है, आपके सोचने पर है, वरना सुख दुख तो आता रहता है जाता रहता है। जिस तरह आप किसी रोगी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं तो वो ऊपर नीचे जाता है, तो ये ऊपर नीचे ही लाइफ है। अगर वो स्ट्रेट हो जाता है फिर तो आदमी की डेथ हो जाती है, तो स्ट्रेट कभी नहीं रहती ज़िंदगी की लाइन, ज़िंदगी लाइन में ऊपर नीचे लगा रहता है, और वो हर इंसान के कैरियर में आता है, चाहे वो उसका प्रोफेशन हो, चाहे वो उसकी दुकान हो, चाहे वो किसी दफ्तर में हो, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो। उसी तरह से आप देखिए कि हिंदू धर्म में जो लिखा है, क्या वो केवल हिंदू धर्म के लिए है? वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को सोचना चाहिए कि ये सब पे लागू होना चाहिए। गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। मुसलमान भी तो यही कहते हैं कि भाई अपना मेहनत करो, बाकी अल्लाह मालिक है। तो उसी तरह से आप देखिए कुछ चीज़ें इतना संकुचित मत होइए कि केवल गीता जो है उसकी अच्छी बातें केवल हिंदुओं के लिए हैं, या गुरु ग्रंथ साहब की अच्छी बातें केवल सिखों के लिए हैं, या कुरान की अच्छी बातें केवल मुस्लिम्स के लिए हैं। वही बात क्रिश्चियनिटी और धर्मों में भी है। क्रिश्चियनिटी में आप देखिए कितने बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो जीसस कहते हैं तो तुम मेरी मदद करते हो, तुम किसी बीमार की अगर उसके इलाज में सेवा शुश्रूषा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। हर धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। उसी तरह से आप देखिए इस्लाम में वासुदेव कुटुंबकम महाउपनिषदों में कहा हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो केवल ये होता कि केवल हिंदू धर्म ही हमारा कुटुंब है और तो कोई नहीं है। महाउपनिषदों में ये क्यों कहा गया कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा वासुदेव मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा एक परिवार है, वही इसका एक रीज़न है। उसी तरह से प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि अल खलूतु अयालुल्लाह, यानी हम सब एक कायनात हैं, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक ही परिवार है। तो वही सब चीज़ें अलग अलग नाम से अलग अलग धर्मों में लिखी हुई हैं। कुरान शरीफ में ये तक लिखा है कि अगर चैप्टर 3 आयत 130 में कि अगर आप किसी बेगुनाह को कत्ल करते हैं तो आप सारी इंसानियत का कत्ल करते हैं। ये बात क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जहाँ तक आप देखते होंगे कि मुसलमानों में होता है कि साहब बैंक से इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, उस इंटरेस्ट का आप देखिए क्या वर्ड्स हैं उसके अंदर लिखे हुए,
कि किसी को कर्ज दो, लोन दो, तो उससे सूद मत लो, ब्याज मत लो। यानी किसी इंडिविजुअल, बैंक तो जब थे नहीं, किसी को अगर कर्ज दो, लोन दो, तो उससे ब्याज मत लो। और यदि वो तुम्हारा कर्ज ना अदा कर पाए तो उसको थोड़ा टाइम दे दो। यदि वो तब भी तुम्हारा कर्ज अदा ना कर पाए और वो इस लायक नहीं है कि तुम्हारा कर्ज अदा कर दे, लोन दे, चुका दे, और तुम इस लायक हो कि उसका लोन माफ़ कर दो, तो उसका लोन माफ़ कर दो। ठीक है, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए? अच्छी बातें, अच्छे प्रवचन हर धर्म में हैं। फ़र्क यही है कि हम लोग उसको मानते नहीं हैं। देखिए, मैं भले ही यहाँ बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने कम लोगों को भी मैं अपनी जो दो मिनट में और मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, कि हमने जो जन्म लिया इस अपने परिवार में, हमारा एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली थी, दोनों साइड से मदर फादर, बचपन से बड़े हुए तो पता चला कि एक त्यौहार है जी, उसमें खील बताशे मंगाती हैं मदर और दिए जलवाती हैं, पटाखे आते हैं, कि दिवाली है। हमसे ये नहीं कहा गया कभी कि दिवाली जो है हमारा त्यौहार नहीं है, हिंदुओं का त्यौहार है। होली पे पहले पुराने लोग जानते हैं टेसू के फूल भिगोए जाते थे, टेसू के फूलों के रंग से रंग खेला जाता था, जो बहुत ही ऑर्गेनिक और बड़े शुद्ध होते थे और कोई स्किन की एलर्जी वगैरह नहीं होती थी। तो टेसू के फूल घोल दिए जाते थे, मदर की फ्रेंड्स आती थी सुबह, वो उनके साथ होली खेलती थी, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, फादर के लिए ऑफिस वाले आते थे, फादर भी हमारे सर्विस में थे। हमसे कभी ये नहीं कहा गया कि भाई होली हमारा त्यौहार नहीं है। अब आजकल जो चल रहा है कि नहीं, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पहनना है, कौन सी पिक्चर देखनी है, क्या नहीं देखनी, ये सब कौन सा त्यौहार सिखाता है, कौन सा धर्म सिखाता है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने तो कभी ये सोचा नहीं, और चूँकि देखिए मुझे तो, मैं तो सर्विस में रहा, मैं तो इन सब चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाया। मेरी वाइफ हिंदू धर्म की है, मेरी बहू जो है वो हिंदू है, वो करवा चौथ का व्रत भी रखती है और रमज़ान का एक रोज़ा भी रखती है, कमरे में अपने दिवाली की पूजा करती है, मैं जाता हूँ, वो मेरा टीका भी करती है, तो क्या मेरा धर्म बदल गया? वो अपना धर्म मानती है, मैं अपना धर्म मानता हूँ, तो इसमें कहाँ से नफरत आ गई, लव जिहाद कहाँ से आ गया, और क्या क्या आजकल जो हो रहा है, बेसमझ तो आता नहीं। एनीवे, ये सोच देख के बड़ा अफसोस होता है। हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि एक केवल क्वालिटी जिसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साक्षर होना भी ज़रूरी नहीं है, हालांकि साक्षरता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है इंसानियत, गुड ह्यूमन बीइंग। कि आप एक अच्छे इंसान अगर नहीं हैं तो बाकी आपका सब कुछ बेकार है। आप कितने अच्छे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, दुकानदार, कुछ भी हो जाइए, मगर एक अच्छा इंसान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में बहुत कमी है। कोई किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। इंसान को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो अपने आप एक अच्छा धार्मिक, एक ऐसा इंसान, अच्छा प्रोफेशनल हो जाएगा, जो दूसरों को धोखा नहीं देगा, दूसरों को गाली नहीं देगा, दूसरों को मारे काटेगा नहीं। बस यही मेरा एक आप लोगों को संदेश है कि अच्छा इंसान होना, मैं समझता हूँ, बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ा अच्छा ये कार्यक्रम किया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ एक बार आप लोगों का और हमारे दोस्त गिरीश साहब का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तनवीर साहब ने धर्मों से ऊंचा उठने की बात कही। धर्म नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। ये वैर विरोध, ये हद की दीवारें हमने खड़ी की हैं। हम शैतानियत से उठकर इंसान तो बने, देवता तो भगवान बना देगा। इसलिए ज़रूरत है अपने कदम कुछ अच्छाई की ओर ले जाने की। सॉरी, अभी हमारे बीच में विजन थापर के फादर मिस्टर थापर, वो भी अपनी ग्रीटिंग्स रखेंगे। कुछ जल्दी है उनको, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो भी अपनी ग्रीटिंग्स रखें। दीदी शुक्ला जी और बाकी सारे जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, आपको पता है कि मैं विजयंत का फादर हूँ और मैं खुद भी सेना में ही था, तो इसलिए 37 साल था सेना में, और हमारी तो
पिताजी और उन हमारे दादाजी सभी सेना में ही थे, तो इसलिए हम एक सैनिक परिवार को बिलोंग करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहाँ पे बुद्धिजीव आए हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहे हैं। जो मेरे हिसाब से शांति जो है वो दिमाग में और दिल में होती है, और इसका साधन जो मेडिटेशन आपको सिखा रहे हैं और पूरे इंडिया में आप लोग कर रहे हैं वो बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको फॉलो किया जाए तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी। ये शांति एक ऐसी उपलब्धि है जो आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि आपने बताया मोबाइल है, ये है, वो है, ज़मीन छोटी सी है, सबकी अपनी अपनी तमन्नाएं हैं, बड़े बड़े बढ़ नहीं सकती, उतनी की उतनी रहेगी, संपत्ति भी वैसे ही है, और ये सब चीज़ें जो है आखिर में आपको शांति नहीं दिलाती। तो कहा गया है कि आपकी महानता जो है वो क्या आपने पाया उसमें नहीं है, बल्कि क्या आपने दिया उसमें है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको जो प्रवचन वगैरह मिल रहे हैं, जो सिखलाई दे रही हैं, उसको आप अपने जीवन में लाएंगे और शांति की खोज करेंगे। इसी के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और आपने सम्मानित किया। मैं चाहता हूँ कि ये आपकी जो मूवमेंट है ये ज़ोर पकड़े और पूरे देश के पूरे नागरिक इसका फ़ायदा ले सके, इससे कुछ हासिल कर सके। धन्यवाद। चंद शब्दों में अपने दिल के भाव कह गए हैं। अभी हम बहनों से अनुरोध करेंगे, हमारे ये मेहमान थोड़ा जल्दी में हैं, कृपया आप इनको ईश्वरीय याद सौगात दीदी के द्वारा भेंट कराएं। विजय थापर, जिनको आप जानते होंगे, विजयन थापर जी, जिन जो कारगिल में शहीद हुए और उनके नाम पे चौक बना हुआ है, उन शहीदों के लिए जिन्होंने भारत माता के लिए बहुत कुछ किया, कुछ लाइनें हम कहना चाहेंगे। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, जब तक भारत माता का आंचल हम कभी भी लेलाम होने ना देंगे, लेलाम होने ना देंगे। फ्रांस से एक बहुत अच्छी डांसर हमारे बीच में आई हुई हैं, तो उनका दिल है कि वो इन मेहमानों के आगे अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे, तो हम उनको भी बुलाते हैं, उस बहन को। पेरिस से वो आई हैं, तो वो बहन हमारे बीच में आएंगी, बीकी शिवानी बहन, और वो उनको लेकर आएं ताकि जल्दी से हम उनका कार्यक्रम करेंगे।
ओम शांति। ये इतना सुंदर नृत्य जो अभी आपके सामने पेश हुआ, ये विदेश की मेहमान को स्पेशल बाबा ने हमारे लिए भेजा है कि जाओ जाकर इस सभा में चार चांद लगा कर आओ। बहुत ही कम उम्र की है, 11 साल से बाबा की बच्ची हैं, और आज सुबह भी इनकी जो मेन टैलेंट्स हैं, इन्होंने म्यूज़िकल, क्लासिकल एंड बहुत इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िकल किया हुआ है, और आज अर्ली मॉर्निंग में भी इन्होंने साउंड के ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक किया था, सेशन मॉर्निंग में भी किया था, और कल रात में ही ये 1 बजे पहुंची हैं, और इतनी एक्टिव हैं और इतनी फैमिलियर हैं कि हमें ये फील ही नहीं हो रहा कि विदेश से कोई मेहमान हमारे बीच में आया है। इतना सा भी, इतनी यूनिक पर्सनालिटी बाबा ने उतारी है सच में। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप फिर से एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही सुंदर नृत्य हमारे सामने पेश किया। हमारे मेहमान भी बीच में से कुछ समय का अभाव होने के कारण उनको जल्दी जाना पड़ रहा है। उनको हमारे आदरणीय शुक्ला दीजी जी भगवान के घर की याद सौगात दे रहे हैं। बहुत अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में पहुँचे हैं और कुछ अच्छी यादें लेकर साथ में जा रहे हैं। इनसे अनुरोध है कि आप समय प्रति समय आते रहें, ताकि इस परमात्म घर की दुआएं, परमात्म हंसों का संग आपको मिलता ही रहे। ये हमारा आपसे अनुरोध है। अभी हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा एक खुशनुमा माहौल उन बहनों ने क्रिएट कर दिया अपने नृत्य के द्वारा। नहीं तो टॉपिक ही स्ट्रेस फ्री का सुन के भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। नाम ही ऐसा है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस पैदा कर देता है। लेकिन अब है ज़रूरत, हम उससे छूटे कैसे, नवजात कैसे पाएं। तो हमारे बीच में हमारी बहुत ही अनुभवी स्वीट बहन प्रीति बहन अपना वक्तव्य रखेंगी, जो बचपन से ही इस विद्यालय से जुड़ी हैं, बाल्यकाल से। बहुत अच्छा इनका भाग्य है जो बचपन से भगवान के इस कार्य में अपने मम्मी पापा के साथ उंगली पकड़ के आना शुरू कर दिया इन्होंने, और लगभग अब तक 6 राज्यों में जाकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। माउंट आबू में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ये बहुत अच्छी संगीतकार भी हैं, बहुत सारी कलाएं इनको ऊपर वाले ने बख्शीश में दी हैं। अभी तो ये संगीत नहीं गाएंगे, गीत नहीं गाएंगे, अभी हमें स्ट्रेस से फ्री होने के गीत अवश्य सुनाएंगी प्रीति बहन। हमारे बीच में आनंदमय भाई आए हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब, हम उनसे अनुरोध करते हैं। आनंदमय गोशाल जी वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप सब कर्तक ध्वनि से उनका स्वागत करें। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी शुक्ला जी, हमारे स्नेही भ्राता डागर भाई जी, आनंद भाई जी, आनंदमयी घोषाल भाई जी और शिव सिंह भाई जी, और हमारे स्टेज कोऑर्डिनेटर लीना बहन जी, आप सभी इस दोपहर शाम के समय यहाँ सम्मुख में हैं, सामने बैठे हुए हैं, और इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय रखा है कि जीवन को तनाव मुक्त कैसे बनाया जाए,
तो पहले तो तनाव को प्रबंधन करना सीखना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद ही हम पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री लाइफ में ला सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, तनाव मुक्त बनाया जाए, इसकी शिक्षाएं और अभ्यास सिखा रहा है। डागर भाई जी इसके विषय में बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, तनाव क्यों होता है, कैसे होता है, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण और समाज में जो भी बातें आ रही हैं उसकी वजह से जो अनेक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं वो बहुत सारी बातें हम सब के बीच में रखी। और हम सब हर दिन तनाव रूपी इस शब्द से बहुत अच्छी तरह से अनुभवी हैं, हर एक के डे टू डे लाइफ में ये बातें आती ही रहती हैं। तो बार बार राजयोग हमें ये शिक्षाएं बार बार समस्याओं पर फोकस करना नहीं सिखाता है। समस्याएं हमारे सराउंडिंग्स में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं, तनाव का परसेंटेज भी हर एक के व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और विश्व स्तर पे बढ़ता ही जा रहा है। आवश्यकता है कि व्यक्तिगत रूप से इसको हम दूर कैसे करें और इससे हम अपने आप को मुक्त कैसे रखें, इसके लिए हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि डागर भाई जी ने बताया कि तनाव क्या है, उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हुए मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूंगी। तनाव क्या है? एक प्रेशर है। जब बाहर का, आसपास का प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी आंतरिक कार्य क्षमता कम हो जाती है तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है। ये एक तरह का मानसिक प्रेशर होता है, मानसिक दबाव होता है। और ऐसे समय में हमें जब ये तनाव की फीलिंग आती है, स्ट्रेस की फीलिंग आती है, टेंशन की फीलिंग आती है, प्रेशर की फीलिंग आती है, उस समय पे हमको कोई मैसेज मिल रहा होता है और वो मैसेज ये है कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज समथिंग। तो वो क्या चेंज करना है, क्या परिवर्तन करना है, उसकी तीन बातें हैं। किसी भी प्रकार के जीवन में परिवर्तन के लिए तीन मुख्य बातें आवश्यक होती हैं, नॉलेज, डिज़ायर और स्किल्स। व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज एंड हाउ टू चेंज, इन तीनों का ज्ञान होना, इसकी इच्छा शक्ति होना और इसकी विधि का पता होना बहुत ज़रूरी है। हम सब तनाव से अपने जीवन को मुक्त रखना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना कि तनाव आए ही ना, परंतु तनाव आएगा, हर दिन आएगा और हो सकता है पहले जितना आया था उससे डबल आए, चार गुना आए, परंतु आवश्यकता है कि हम उसको मैनेज कैसे करते जाएं। उसकी विधि है राजयोग मेडिटेशन। तो जब जब तनाव आता है तो एक तरह से वो प्रभाव, दबाव और लगाव की वजह से भी होता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस डागर भाई जी ने बताई हैं। जब दबाव में आते हैं तब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, जब हम परिस्थितियों के किसी व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं तब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, और जब हम अटैचमेंट में आ जाते हैं तब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। इन तीनों ही परिस्थिति में हमें सबसे पहले अपने अंदर में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और वो परिवर्तन मानसिक स्तर पर होता है, मेंटल लेवल पर होता है। हमें अपने अंदर सोचने की क्षमता को, सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल
डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं, डायग्नोस करने के बाद कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, मन में है। और मन का इस दुनिया में कोई डॉक्टर आज तक नहीं हुआ है। मन का डॉक्टर वास्तव में अंदर में है। सो वी हैव टू डिस्कवर द डॉक्टर विद इन। अंदर में जो डॉक्टर बैठा है उसको हमें हमेशा जागृत रखना होगा, और वो प्रक्रिया राज्यों की शिक्षा हमें देती है। तो जब ये तनाव उत्पन्न होता है उस समय में मुझे अपने आप को फिट रखना है। कैसे फिट रखेंगे? तो डॉक्टर कहते हैं कि यदि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हम तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, और वो तीन बातें हैं, एक एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, और तीसरा होता है प्रॉपर डाइट। इन तीन बातों का डॉक्टर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो हम ये बाह्य रूप से हम सब करने के लिए आज कर रहे हैं, और चारों तरफ से इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी नॉलेज अलग अलग तरह से हम सबको मिल रही है, और हम उसको रिसीव भी कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को अपना भी रहे हैं। परंतु फिर भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ये बाह्य चीज़ें आवश्यक इतनी ज़्यादा नहीं है। वो शारीरिक लेवल पर ठीक है, फिजिकल लेवल पर ठीक है, शारीरिक स्तर पर ठीक है, परंतु जहाँ मानसिक स्तर की बात आती है तो मानसिक स्तर के लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अर्थात मन के विचारों में पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान देना होगा। हम ज़्यादा कितना अच्छा सोच सकते हैं, इस प्रक्रिया को राजयोग कहा जाता है। और राजयोग में ये बताया गया है कि हम सेल्फ के बारे में सोचें, और जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, जो इटर्नल रिलेशनशिप है मेरा, जिसका मेरा सदा के साथ संबंध है, उस संबंध को पहचाने और उस शक्ति को पहचान करके उसके बारे में सोचें, उससे बात करें, वो हमें क्या कहता है उसको सुने। और इसके लिए राजयोग ये भी कहता है, मन की एक्सरसाइज, मन की डाइट और मन का रेस्ट, ये तीनों ही राजयोग हैं। जब हम अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, मन को चैनलाइज करते हैं, मन को डायरेक्शंस देते हैं उस तरह के विचारों को उत्पन्न करने के लिए, उसको एक्सरसाइज कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग स्वमान, जिसको कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन, मतलब स्व को मान देते हुए उन थॉट्स को क्रिएट करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने लिए कहती हूँ कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मैं अपने आप को मान दे रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ, और ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। बेसिकली हर मनुष्य आत्मा, हर ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति है। परंतु हम अपने ओरिजिनलिटी को आज भूल चुके हैं। राजयोग हमें उस ओरिजिनलिटी की तरफ लेकर के जाता है जो संपूर्ण सत्य है। बार बार उसको याद दिलाना, उसको बार बार रिमाइंड करना, मन ही मन उस तरह के थॉट्स को क्रिएट करना, ये हमें राजयोग की शिक्षा रोज़ सिखाती है। दूसरा होता है, जब हम कोई पर्टिकुलर थॉट में स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो वो मन की रेस्टिंग स्टेज होती है, मन की आराम की स्थिति होती है। उसको कहते हैं कि मन की जो हाई स्पीड होती है, जब नॉर्मल स्पीड में आता है, नॉर्मल स्पीड से जब वो केवल 5-6 थॉट्स में स्टेबल हो जाता है, तब मन उस समय आराम की अवस्था में होता है,
और ये निरंतर राजयोग के अभ्यास से होता है। उसको मन का रेस्ट कहा जाता है। मन की डाइट क्या है? जैसे कहते हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने, विद्वानों ने भी कहा है। और ये परम सत्य ज्ञान है कि जैसा होगा मन वैसा होगा मन। तो वो है स्थूल मन, स्थूल भोजन, परंतु मन का भोजन है श्रेष्ठ विचार। अगर सारे दिन भर हम शरीर को बहुत कुछ खिलाते हैं और पिलाते हैं, कितनी बार तो पानी पीते हैं, कितना सारा लिक्विड बीच बीच में किसी ना किसी प्रकार से हम शरीर को देते हैं, कितनी वैरायटी चीज़ें भोजन के रूप में हम शरीर को खिलाते हैं, तो वो होता है शरीर का भोजन। लेकिन मन को तो उसका भोजन नहीं मिलाना। तो मन को भोजन देने के लिए जब हम अच्छे अच्छे सारे दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते खाते, जब अच्छे अच्छे थॉट्स मन में क्रिएट करते हैं, तो वो मन का भोजन कहलाता है। उसी को कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। एक तो सूक्ष्म रूप में है, एक है स्थूल रूप में, इसीलिए प्रसाद का महत्व है। तो वो स्थूल प्रसाद है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका भी शरीर पर और मन पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव इफेक्ट होता है। इसी तरह से मन के श्रेष्ठ विचार मन को श्रेष्ठ भोजन के रूप में उसको नरिश करते हैं, जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। परमपिता परमात्मा जो हमारे सत्य पिता हैं, जो हमारे परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं, अगर देखा जाए तो आत्मा के सारे ही संबंध परम आत्मा के साथ हैं। सही अर्थों में वर्तमान समय, बाकी जो संबंध हैं, आप सब अनुभवी हैं। और उस अनुभव से जो हमने देखा है, सुना है, और कुछ संबंधों का हमने भी अनुभव किया है, तो वर्तमान समय ये अनुभव कहता है कि दुनिया के वर्तमान जो भी संबंध हैं, उस सब में कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होने की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, धोखा है, दर्द है, कष्ट है। परंतु जब परमात्मा के साथ हम आत्मा का संबंध होता है, तो उस संबंध से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि ये सच्चा संबंध है, सदा का संबंध है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। केवल हम इस संबंध को भूल जाते हैं, परमात्मा की तरफ से कभी नहीं भुलाया जाता, क्योंकि वो सदा ही ज्ञाता है और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वर्तमान समय हम चूंकि सब दुख के समय में हैं, दर्द के समय में हैं, हर एक को कोई ना कोई शारीरिक रोग है, और हमारा सच्चा पिता जो सच्चा साथी सच्चा संबंधी है, उसको हमारा दर्द दुख ये इतने सारे रोग देखे नहीं जाते। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चों अपनी थिंकिंग को बदलो। मैं जो तुम्हें जीवन की बहुत श्रेष्ठ बातें सुनाता हूँ, उसे सवेरे सवेरे सुन लो, क्योंकि मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, एक सोखता कागज़ होता है ना, ब्लॉटिंग पेपर होता है, जब उसमें कोई लिक्विड डालते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है, वो उसको उतना एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन के बाद में उसकी वो शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके बाद और भी जितना लिक्विड डालेंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से मानव मन है। सवेरे सवेरे जितने अच्छे थॉट्स को वो रिसीव कर सकता है, उसको करने दे। उसका इफेक्ट फिर सारे दिन भर पॉजिटिव रूप में हमारे व्यवहार, हमारे कर्म में रहता है, हमारी सोच में रहता है। अगर हमने सवेरे सवेरे उसको इस प्रकार की पॉजिटिव नरिशमेंट नहीं दी, पॉजिटिव एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो उसका इफेक्ट सारे दिन में इस प्रकार से रहेगा कि वो कोई ना कोई बात को लेकर के परेशान होता रहेगा, दर्द में आएगा, और वो स्ट्रेस का लेवल हर दिन बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाएं। आप सब जानते हैं वर्तमान सदी में हर एक घर में एक व्यक्ति डिप्रेशन में है, मतलब बहुत सोच का लेवल बढ़ चुका है, सोच सोच सोच, थिंकिंग 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 कंटिन्यूसली चल रही है। इसीलिए परमात्मा शिव
जिनका नाम है और हम बहुत प्यार से जिन्हें बाबा कहते हैं, शुभ बाबा। आजकल इस बाबा शब्द को दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स ने अपने ऊपर रखा, परंतु यहाँ पर बाबा परमात्मा शिव के लिए कहा गया है, शुभ भोलेनाथ, परम पिता, शुभ बाबा। तो परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़कर उनसे सुनी हुई बातों को सारे दिन भर में अपने कर्म, व्यवहार और जो भी हमारे संबंध हैं, दुनियावी संबंध हैं, उसमें अगर उस ज्ञान को यूज़ करते हैं तो हमारा जीवन सच में तनाव मुक्त होते जाता है। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपसे हम सब भाई बहनें शेयर कर रहे हैं। इतना बड़ा जो यहाँ मेला लगा हुआ है 14 डेज का, ये किस लिए लगा है कि कोई भी इस संदेश से छूटे ना, अपने जीवन को खुशहाल बना ले वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान समय ही इतना टेंशन है, वर्तमान समय ही दुनिया भर के रोग हैं, दुनिया भर के कष्ट हैं। जैसे अभी भाईजान अली जी कह रहे थे, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। तो उन सारे प्रश्नों का जवाब ही इस राजयोग में है, लेकिन राजयोग की बात को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप इसके डिस्कोर्स को, इसके कोर्स को करना आवश्यक होता है। अगर नियमित रूप से उसको समझ करके हम करेंगे तो अवश्य ही बहुत 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 हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो राजयोग की विधि क्या है और कैसे हम इस अभ्यास को करें, उसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन अभ्यास हम सभी मिलकर के करते हैं कुछ क्षणों के लिए। आप सभी जिस तरह से साइलेंस में बैठे हैं, शांत मुद्रा में बैठे हैं, फिजिकली और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगर कोई चीज़ अपने पास रखी है तो उसे बाजू में रख दीजिए और शरीर को स्ट्रेस फ्री रखिए, परंतु इतना रिलैक्स मत हो जाना कि आप सो जाएं, क्योंकि जब मन को रिलैक्सेशन मिलता है तो वो निद्रा की तरफ डायरेक्ट इंडिकेशन देता है। और राजयोग की प्रक्रिया ओपन आइज प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम आँख खोल करके अभ्यास करते हैं। तो जैसा अभ्यास की हैबिट आप क्रिएट कर लेंगे वो फिर निरंतर चलता रहेगा। इसलिए प्रॉपर वे में कीजिए, शुरुआत से ही सही तरीके से इसका अभ्यास कीजिए। आपको शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं करना है, केवल मन और बुद्धि, ये दो शक्तियाँ हम सब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हैं और इन दो शक्तियों को ही हम चैनलाइज करते हैं, इनको हम डायरेक्शंस देते हैं। हम जैसा चाहें अपने मन और अपने बुद्धि से उस प्रकार से उससे करवा सकते हैं। तो भी क्या करना है, जैसा कहेंगे मन बुद्धि को वैसा वैसा आपको बोलना नहीं है, केवल करते जाना है सुनते हुए। आइए चलते हैं इस बाह्य जगत की यात्रा से कुछ क्षणों के लिए आंतरिक जगत की यात्रा की ओर। जिस तरह से ये विशाल बाह्य जगत है, भौतिक दुनिया है, इसी प्रकार से आंतरिक आध्यात्मिक दुनिया है। स्वयं को स्थिर करते हुए 3 या 4 बार गहरी श्वास लीजिए, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। गहरी श्वास लेना अर्थात जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारा एब्डोमेन और पेट बाहर निकलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते समय चेस्ट और पेट अंदर जाना चाहिए।
ये है डीप ब्रीदिंग। स्वयं को इस मस्तक के मध्य अनुभव कीजिए। इस मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ सितारा है। इस सितारे को मस्तिष्क के सेंटर में अनुभव कीजिए। देखिए इस सितारे को। मैं ये शरीर नहीं, परंतु इस शरीर को चलाने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति, ज्योति बिंदु, चैतन्य सत्ता हूं। इस शरीर के मस्तक के मध्य मस्तिष्क में बैठकर इस सारे शरीर की कर्मेंद्रियों का मैं संचालन कर रही हूं। देखिए अपने सत्य स्वरूप को, चमकता हुआ प्रकाश। चमकता हुआ सितारा। मैं शरीर की मालिक हूं। मन और बुद्धि मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मैंने इस बॉडीली कॉस्ट्यूम को पहनकर ऐसे अनेक वस्त्र धारण कर इस विश्व रंगमंच पर अनेक किरदार निभाए हैं और अभी भी इस कॉस्ट्यूम को पहनकर मैं अनेक किरदार निभा रही हूँ। ये शरीर नश्वर है और मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अविनाशी हूँ। ये संपूर्ण सत्य है। मुझ दिव्य आत्मा का पिता, सदा का पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। वो मेरे सच्चे सखा, सच्चे साथी और सतगुरु हैं। वो बिल्कुल मेरी ही तरह ज्योतिर्मय प्रकाश पुंज है। हमारा ये संबंध सदा का है, अविनाशी है। परंतु मैं संबंध को भूल जाती हूँ। प्यारे पिता, आपने मुझे हमेशा संबंध की याद दिलाई है। आपने मुझे सत्य ज्ञान दिया है। मैं ज्ञान सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर की संतान हूँ। ये सत्य समझ आपने मुझे दी है और इस समझ से मुझे अपने इस वर्तमान जीवन को, अपने हर किरदार को आनंद में
और सुखमय बनाना है और मैं इसे बना रही हूँ। आपसे वायदा करते हैं प्यारे पिता, आप सदा मेरे साथ हैं और मैं आपका ये हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना सुखमय साथ और इतना श्रेष्ठ जीवन वर्तमान समय आपके द्वारा हमें मिला है। शुक्रिया मेरे प्यारे पिता, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। तो कुछ इस प्रकार से रोज अपने आप से बात कीजिए और परमात्मा शिव बाबा से बात कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना खुशहाल और सुखमय बन जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस कुछ ही समय का प्रोग्राम है, आप सबसे अनुरोध है, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ हमारे आदरणीय शुक्ला दीदी जी बैठे हैं, आप उनके आशीष वचन सुन के ही जाएं। बस कुछ कड़ियां और हैं, बहुत अच्छी बातें हम सबको मिल रही हैं। मात्र 5-7 मिनट का ये मेडिटेशन अभ्यास जो हमें एक असीम शांति की अनुभूति करा रहा था, जैसे पूरे दिन की थकावट ही उतर गई, इतनी रिलैक्सेशन, क्योंकि 2 घंटे की नींद और 5 मिनट का मेडिटेशन उतना ही बराबर है, क्योंकि मेडिटेशन टेक्निक एक चार्जिंग है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ को चार्ज करना है, सुबह से लेकर रात तक लगातार डिस्चार्ज होती रहती है। अगर बीच में खुदा ने नींद ना बनाई होती तो पता नहीं क्या हाल हो जाता। बस थोड़ा सा उस नींद में कहीं रिलैक्स होते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन टेक्निक वो चीज़ है जो हमें हमेशा ही चार्ज किए रहेगी। तो इसको हम सभी अवश्य जीवन में अपनाएंगे। अभी हमारे बीच में बहुत ही हमारे स्नेही वरिष्ठ भाई हैं, हम उनको बुलाएंगे। नेवी के कमांडर हैं मिस्टर शिव सिंह जी। उसके साथ ही हम इनका तो सुनेंगे ही, शिव सिंह जी का, लेकिन उससे पहले हम आदरणीय हमारे शुक्ला दीदी जी, हम इनके शुभ आशीष वचन प्राप्त करेंगे। बहुत ही गहरी जीवन की तपस्या है इनकी। 50 साल से इस विद्यालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और 110 सेवा केंद्र इन्होंने अपने बहुत अच्छे निर्देशन में खोले हैं। अनेकानेक देश विदेश की आत्माओं को लाभ दिया है। अपने जीवन में भगवान की उस वाणी को उतार कर अनेकों को भगवान से जोड़ने का जो महान पुण्य प्राप्त किया है, ऐसी पुण्य आत्मा के 2 वचन हमारे जीवन में वरदान अवश्य बनेंगे। तो हम आदरणीय शुक्ला दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि अपनी वो अनमोल ईश्वर की दी हुई वाणी से हम सबको लाभवंत करें। आदरणीय शुक्ला दीदी जी। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति।
ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रोग्राम स्ट्रेस के ऊपर है। अगर हम गहराई से सोचे तो हम सबका जीवन समुंदर की तरह है। जैसे समुंदर को समुंदर क्यों कहते हैं, उसमें तरंगे उठती हैं और वो तरंगे, वो लहरें ही व्यक्ति विशेष को खुशियां देती है। कोई तो उस तरंगों को, लहरों को देख करके खुश होते हैं और कोई बहुत घबरा जाते हैं। इस पर मुझे एक सीन याद आता है। ये एक माता समुंदर के किनारे पर थोड़ा हटके खड़ी थी, उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो बच्चा माँ के साथ बहुत प्यार से खड़ा है और माँ भी उसको निहार रही है, पर ऑल ऑफ अ सडन समुंदर से लहरें उठी और उन लहरों के साथ वो बच्चे को भी साथ ले गई। माता का इकलौता बेटा था, वो बहुत दुखी होने लगी और समुंदर देवता जी के आगे आराधना करने लगी। हे भगवान, हे समुंदर देवता, तू मेरा इकलौता बेटा वापस कर दे, नहीं तो मेरे जीवन में अशांति ही अशांति रहेगी। बहुत अर्धभाव से उसने समुंदर देवता के आगे प्रार्थना की। समुंदर देवता फिर दूसरी लहर आई वापस, वो बच्चा वापस आ गया, जिसको देख करके माता बहुत खुश हो गई कि मेरा बेटा मेरे को फिर से मिल गया। पर थोड़ी देर के बाद उसका ध्यान बच्चे की सैंडल पर चला गया, तो क्या देखती है, एक पाँव में सैंडल है, एक पाँव में सैंडल नहीं है, और वो सैंडल समुंदर के अंदर रह गई। फिर वो समुंदर देवता के आगे रोने चिल्लाने लगी, भाई मेरे बच्चे की सैंडल तो खराब हो गई, तू वापस दे दे। ठीक, अगर आप सोचेंगे तो आज के मानव की गति इसी प्रकार से है। परिस्थितियां तो आएंगे, स्ट्रेस तो आएंगे आएंगे, स्ट्रेस लेस कभी हो ही नहीं सकते हम, परंतु स्ट्रेस को हम किस तरह से लेते हैं, किस दृष्टिकोण से लेते हैं, किस विचारधारा से लेते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे कोई तो स्ट्रेस को समझते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ऐसे ही है, बड़ा शांतिपूर्वक स्ट्रेस का सामना करते हैं और आप देखेंगे उनका स्ट्रेस कम भी हो जाता है और बातें भी ठीक हो जाती। और कोई थोड़ा सा ही बात आती है, थोड़ी सी परिस्थिति आती है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके ले लेते हैं और महीनों उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और फिर भी कई तो मैंने ऐसे देखे जो ज़िंदगी के अंत तक उनका वो स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता। वैसे तो आप देखेंगे भारतीय संस्कृति के अंदर पले हुए बच्चे, हम सबके जीवन में ये इच्छा रहती है कि हम सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत करें, हमारे से हमारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर मंगलमयी भावनाएं और कामनाएं रहें। परंतु आप देखेंगे वो सिर्फ नाम मात्र तक रह गई है। पर क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आएगी ज़रूर, और उनको हम ऐसे ले लेते हैं जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई। हमने अपने पिता श्री ब्रह्मा बाबा को देखा, उन्होंने जब परमात्मा पिता शिव के इजाजत से, आज्ञा से इस यज्ञ का निर्माण किया, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, तो उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, परंतु उनके मन में एक ही संकल्प था कि मुझे प्रभु की आज्ञा है, उस आज्ञा का मुझे पूर्ण रीति से पालन करना है। कई लोग आकर के पिताश्री को कहते, दादा आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आपकी धारणाएं भी बहुत अच्छी हैं, परंतु ये जो पवित्रता का ज्ञान देते हो, इसको निकाल दो तो फिर देखो लोग आपको कितना मानेंगे। पर बाबा ने क्या कहा कि नहीं, जो जीवन की फाउंडेशन है,
जीवन को चेंज करने वाली फाउंडेशन है, नींव है, उसको मैं कैसे खत्म करूँगा? पवित्रता तो आप वैसे भी देखेंगे संसार के अंदर, जब मानव के अंदर पवित्र विचार नहीं होते हैं, सत्यता नहीं होती है, या मूल जो हमारा निजी धन है, सत्यता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, अहिंसा, ये हमारे मूल धन है, परंतु अगर मूल धन हमारे पास नहीं होते तो आप किसी को चेंज भी नहीं कर सकते और नव निर्माण का कार्य भी नहीं कर सकते, एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। आपको अगर एक अच्छा लीडर बनना है, प्रशासक बनना है, तो स्ट्रेसलेस तो होना ही पड़ेगा, पर स्ट्रेस तो बाहर से आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी। कलयुग के संसार के अंदर रहते हैं और उसमें हम कहें कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति नहीं आती है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहूँ मेरे सामने कोई भी परिस्थिति नहीं आती है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद आता है एक सीन कि एक बार मैं फरीदाबाद में कहीं भाषण कर रही थी, तो एक पत्रकार ने उठ कर के मेरे से पूछा, बेन जी आपको कभी ये ख्याल नहीं आता है कि ये जीवन ऐसे ही है, मुझे कुछ और करना चाहिए था, आप में तो बहुत क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत कुछ समाज के लिए कर सकती हैं, तो आपको कभी निराशा नहीं आई है? तो मैंने उसको कहा, नहीं मुझे नहीं, ऐसी कोई निराशा नहीं आई है। तो कहा, आपका जीवन ऐमे ही है। मैंने कहा, क्यों भाई आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो उन्होंने मुझे एक विवेकानंद जी का दृष्टांत बताया, कहा कि विवेकानंद जी चाहते तो एक बहुत बड़ी वकील बन सकते थे, उन्होंने बैरिस्ट्री पास किया था, वकालत पास किया था, बहुत पैसा कमा सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, स्वामी रामकृष्ण परम हंस जी की संकल्प से ये जीवन अपनाने का संकल्प कर लिया। अब संकल्प कर लिया और उसी धुन में वो लग गए सेवा के लिए, वो जहाँ तहाँ प्रचार के लिए जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको थोड़ा बहुत प्यास लगने लगी, पानी इधर देखते हैं उधर देखते हैं कहीं भी देखते हैं उनको पानी नहीं मिलता। तो वो स्टेशन पर चले जाते हैं और स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी होती है, वहाँ एक सेठ बैठा होता है और सेठ के पास पानी होता है, तो वो उनको जाके कहते हैं, सेठ साहब आपके पास पानी है तो एक गिलास पानी का आप दे सकते हैं? तो सेठ उनको बहुत तिरस्कारित करता है, वो हट्टे कट्टे कहीं से आ जाते हैं, कमाना नहीं जानते हैं तो भीख मांगते फिरते हैं। जब उन्होंने ये शब्द उनसे सुने तो उनको बहुत संकल्प आने लगा कि ये कैसा भगवान है, मैंने उसके लिए, उस परमात्मा पिता के लिए ये जीवन दिया है और आज मुझे पानी की प्यास इतनी लगी है, मुझे पानी कोई नहीं दे रहा। तो उनको थोड़ी सी निराशा आती है और निराशा के अधीन होकर के वो भागते 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 एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में बैठ कर के बोलते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और अपने आप से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और फिर ऐसे करते करते उनको नींद आ जाती है, रात अंधेरा हो जाता है, बहुत गहरी रात हो जाती है। तो क्या देखते हैं, उधर उनको नींद, गहरी नींद आई हुई होती है और उधर से एक आवाज़ आती है, विवेकानंद है, विवेकानंद है, विवेकानंद है। तो वो सोचते हैं कि विवेकानंद है, किसने बताया कि मैं इस घने जंगल में बैठा हूँ और फलाने स्थान पर बैठा हूँ, इनको कैसे पता लग गया? तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि मैं इधर बैठा हूँ, आप इधर आ जाइए। तो जब वो व्यक्ति उनके सामने आता है तो उनके हाथ में एक पानी का लोटा और खाना होता है। विवेकानंद उसको देख करके बोलते हैं, बैठिए, आपको किसने बताया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ? कहा कि मुझे किसी ने नहीं बताया, शाम का समय हुआ तो मैं रेडी लगाता हूँ खाने के, तो मुझे शाम के समय ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं थल्ले पर बैठ गया और क्या देखता हूँ कि मुझे जैसे ही थल्ले पर बैठा तो मुझे एक सीन दिखाई देने लगा और मुझे आवाज़ आने लगी कि जाओ, मेरा वहाँ बच्चा बैठा है जंगल के अंदर फलाने फलाने स्थान पर, उसको भूख और प्यास बहुत लगी हुई है, वहाँ जाइए और उनको भोजन दे करके आइए। जैसे ही वो उनकी आज्ञा मान करके भोजन भी लेते हैं और पानी
का लोटा भी ले करके उस घने जंगल में जाते हैं, तो फिर आवाज़ देते हैं, उसी आवाज़ के अनुरूप वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो विवेकानंद जी उसको भी देख के रोने लग जाते हैं कि वाह, मैंने तो सोचा था तुम ऐसे ही हो, सत्य परमात्मा जिससे मैंने दोस्ती लगाई, मित्रता लगाई, जिसके नाम से मैंने अपने जीवन को समर्पित किया, तो मैंने तो ये सोचा था कि आप कोई हेल्प करने वाले नहीं हैं, परंतु आज मेरा निश्चय और भी बढ़ गया जिसने मुझे ये आपके इस जो भाई खाना लेके आया, तो वो परमात्मा की प्रेरणा के द्वारा के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ कहते हैं चाहे जग वैरी हो जाए, चाहे ज़्यादा सारा जग दुश्मन हो जाए, जहाँ सत्यता है, जहाँ शाश्वतता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ दृढ़ निश्चय है, वहाँ सब बातों से हम मुक्त होकर के एक ही उस सच्चे साथी को अपना साथी बना करके चलेंगे, और साथ साथ अपनी विचारधारा, अपनी सोच को बदल लेंगे, क्योंकि आज मानव की जो सोच है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत रहते हैं और वृत्तियाँ बाहर मुखी रहती हैं। बाहर वृत्तियाँ मुखी रहने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों का वास रहता है, जिसके कारण वहम पैदा हो जाता, शक पैदा हो जाता, अनुमान पैदा हो जाता, अनेक आलस्य आ जाता, अलबेलापन आ जाता, अनेक बुराइयाँ और अनेक प्रकार की मैं तू तू की खांसी लग जाती है, तेरे मेरे की खांसी लग जाती है व्यक्ति को, और सारा दिन एक दूसरे को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, उसी भाव स्वभाव से देखने लगते हैं, तो अनेक प्रकार के अनुमान जो अंदर अंदर जहर घोलते रहते हैं और वैर विरोध वैमनस्य की भावनाएं जो है वो बढ़ती जाती है। तो परमात्मा शिवा करके जो ही सत्य का बोध कराता है, जो ही शाश्वत है, जिनके नाम से ही हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है, तो वो कल्याणकारी पिता आकर के सबसे पहले हमारी समृत्तियों को बदलता है, हमारे को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके हमारे दृष्टिकोण को बदल देता, इन दो आईज को भी बदल करके सिविलाइज बना देता है, हमारी बुद्धि के अंदर ये ज्ञान की बूंद बूंद डालता है कि बच्चे तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू शाश्वत है, तू सशक्त है, तू जब मेरे घर से आया तो एकदम सतो प्रधान पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्मा थी, पूज्य आत्मा थी, परंतु इस सर्कल के अंदर आते आते जब पुण्य तेरा खत्म हो गया, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी तेरी खत्म हो गई, तब तेरी वृत्तियाँ, तू बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया, तेरे अंदर अनेक प्रकार के विकार आ गए, अनेक प्रकार के तनाव आ गए, ये अनेक प्रकार के अनुमानों की जहर तेरे अंदर बढ़ने लगी। अब तू फिर अपने आप को चेंज कर, चेंज करने के लिए क्या कर, अपनी समृद्धि को बदल ले, क्योंकि मन समृद्धि जो है, संकल्प जो है वो बीज है, कहते जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, जैसी समृद्धि होगी वैसी दृष्टि होगी, वैसी वृत्ति होगी, वैसे ही कर्म होंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी समृद्धि को बदलना है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शाश्वत हूँ और मैं उस परम शक्ति परमात्मा की संतान हूँ जो कल्याणकारी है। तो मेरा पिता अगर कल्याणकारी है तो मुझे भी क्या करना है, कल्याण कल्याण कल्याण। तो उसके लिए वो पिता यही कहता है शिव संकल्प वस्तु, तू शिव संकल्प में, शुद्ध संकल्प में, शुभ संकल्प में, तीन बातों का ध्यान रखिए, शिव संकल्प, शुद्ध संकल्प और शुभ संकल्प वस्तु, उसमें स्थित हो जाइए। तो जितना हम उस संकल्प के अंदर स्थित होते जाएंगे उतना हमारे अंदर हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती जाएगी और हम फिर से आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाएगी। परंतु वो कब बनेगी, जब हम बार बार ये प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे अपनी समृत्तियों को चेंज करने का।
अगर हमारी समृत्तियाँ चेंज नहीं होती है तो हम कुछ श्रेष्ठ जन नहीं बन सकते, या शांति को या अपने जीवन में नहीं ला सकते और तनाव को दूर नहीं भगा सकते। कहते हैं जब तनाव होने लगे तो अपनी कलम के द्वारा कुछ लिखना शुरू कर दो। कलम से लिखना शुरू करेंगे तनाव अपने आप भाग जाएगा। आप सैर करना शुरू कर दो या आप और कोई ना कोई काम करने लग जाओ जिसमें आपकी बुद्धि, मन और बुद्धि उसमें व्यस्त हो जाए, जिससे तनाव अपने आप, जो बात आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी ना। नहीं तो क्या होगा, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे या अपने आप को किसी और में एंगेज नहीं करेंगे, या कोई गीत गाना शुरू कर दो, कविता लिखना शुरू कर दो, या अपने अंदर ये प्रयास करना शुरू कर दो कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे दूसरे का तनाव अपने पास नहीं लाना, वो तो गुलाम है, मुझे उसकी तरह अपने आप को गुलाम नहीं बनाना। तो उसके लिए अपने साथ 3 मिनट के लिए साइलेंस में चले जाओ और उस साइलेंस में यही बोलो, मुझे क्या करना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, युक्ति युक्त बोलना है और प्रेम से बोलना है। तो जब आप 3 बार ये बात का रिमाइंड अपने अंदर करेंगे तो क्या होगा, जो तनाव का वाइब्रेशन आपके पास आ रहा है ताकि आप उसमें तनाव में ना आ जाओ, गुस्से में ना आ करके कुछ कटु वचन ना बोल दो, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। परंतु अगर आप अपने आप से कोई बैठ करके प्रयास ही नहीं करते हैं, कोई मेहनत ही नहीं करते हैं और बाहर मुखी होकर के रहते हैं, तो बाहर मुक्ता से तो जो बाहर मुखी है, जो वो कुछ बोल रहा है, उसका प्रभाव आपके पास ज़रूर आएगा। परंतु अगर हम अंतर्मुखी होकर के अपने आप से प्रयास करते हैं और फिर अपने आप को अपनी ऊंची समृद्धियों में समृद्ध करते हैं, तो वो आया हुआ वापस चला जाएगा। ऐसे संसार में कई साधु महात्माओं की कहानी आपने सुनी होंगी, कितनी वो गालियाँ देते परंतु वो स्वीकार ही नहीं करते। मुझे एक सीन याद आता है कि एक बहुत अच्छे साधु, साधु नाम के दुनिया में बहुत अच्छे थे, परंतु वो हमेशा आर्य समाज का विरोध करते थे, विरोध करते थे। तो एक आर्य समाज जी को ख्याल आया कि ये मेरा हर वक्त क्यों विरोध करता है, है ना, जैसे हमारे बाबा के, हम लोगों को भी ऐसे लगता है, हम लोगों का क्यों विरोध करता है। तो उसने क्या किया, फलों की एक सुंदर सी टोकरी बनाकर उनके पास भेजी, है ना, वो उन्होंने वापस कर दिया, चल तू आकर के मूर्ति पूजा का निषेध करता है और फिर फलों की टोकरी भेजता है, है ना, तू आकर के हमारे हिंदू ग्रंथों का वो करता है फिर आकर के फलों की टोकरी भेजता है। परंतु उसने और उसके अंदर शुभ भावना और शुभकामना बढ़कर फिर उसके पास भेजा, तो फिर क्या हुआ, 7 बार भेजा, 7 बार उसने वापस कर दिया, फिर 8वीं बार उसने और उसके अंदर शुभ भावना और शुभकामना भर के भेजा, तो फिर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और फिर वो आकर के क्या किया, उन स्वीकार भी किया और उनके चरणों में भी जाकर के झुक गए, नमस्कार किया कि आपने सचमुच आज मेरी बुद्धि का ताला खोल दिया। तो ऐसे ही हमें हर बात में अच्छी तरह से जब पुरुषार्थ करेंगे, अपनी स्मृतियों को ज्ञान से, योग से, धारणा से, मेडिटेशन के द्वारा बार बार रिमाइंड अपने आप को अपने शुद्ध स्वरूप और परमात्मा के शुद्ध स्वरूप का स्मरण पहले करिए, फिर स्मृति में लाइए, फिर स्वरूप में आएगा। तो अगर पहले ही आप स्मरण नहीं करेंगे और स्मृतियों में नहीं, स्मृतियों में जागृत नहीं करेंगे, तो फिर शांति तो आपके गले का हार है, वो शांति आपके पास नहीं रहेगी। वास्तव में शांति आपका स्वधर्म है, शांति आपका स्वरूप है, शांति आपका धर्म है, शांति आपका कर्म है, शांति के दाता के आप पुत्र हैं और शांति देवा हैं, शांति देने वाले दाता हैं। परंतु शांति तभी रहेगी जब आप अपने स्वधर्म में स्थित होंगे। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक युवक गया, युवक महात्मा बुद्ध को नहीं जानता था पर महात्मा बुद्ध के चाहता था कि मैं दर्शन करूं। अब वो गया तो उसको ये नहीं पता कि मैं महात्मा बुद्ध से ही बात कर रहा हूं, परंतु उनकी सुंदरता, उनकी दिव्यता से वो प्रभावित हो गया और वो उनसे पूछता है कि आप कोई देव पुरुष हैं,
तो उन्होंने कहा नहीं, आप स्वर्ग लोक से आए हैं, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर नवयुवक को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो बोलता है फिर आप हैं कौन बता तो दो। तो वो बोलते हैं मैं हूँ स्वच्छ दर्पण, मैं जो अंदर हूँ सो बाहर हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमात्मा पिता हम बच्चों को स्वच्छ दर्पण बनना सिखाता है कि बच्चे तुम स्वच्छ दर्पण बन जाओ, तुम असल में शुद्ध रूप से आए, शुद्ध हो। आज अशुद्धता आ गई है तुम्हारे अंदर, पर राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा तुम फिर वही शुद्ध भी बन सकते हो, संपन्न भी बन सकते हो, समृद्ध भी बन सकते हो और सत्वप्रधान भी बन सकते हो। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना और शुभ भावना है कि आप अपने आप को शुद्ध शुद्ध शुभ बनाइए और अपने से दूसरों को भी शुभकामना और शुभ भावना प्रसारित करें, सद्भाव और सद्भावनाएं प्रसारित करें, जिससे सारा संसार अपने आप में परिवर्तन हो जाएगा। एक बदलेगा जग बदलेगा। अगर एक इकाई में बदल जाऊं तो मैं संसार को बदल सकती हूं, ऐसा अपने ऊपर इच्छा शक्ति जागृत कीजिए, कार्यक्रम की क्षमता पैदा कीजिए और दृढ़ संकल्प पैदा कीजिए। जितना जितना इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी, कार्य क्षमता होगी और दृढ़ संकल्प आपको दृढ़ रूप में होगा, तो दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़ करके है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और शुभावना देती हूँ। आप तेजस्वी बनिए, त्यागी बनिए, योगी बनिए और एक श्रेष्ठ जीवन के अधिकारी बनिए। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय दीदी जी ने अपने शुभ आशीष वचनों से हम सबको भरपूर किया। थोड़ा सा और इस ठंडी हवा का आनंद ले लीजिए। बस कड़ी आगे थोड़ी सी और है, क्योंकि दीदी ने बताया कि जैसी हमारी समृद्धि होगी वैसी हमारी स्थिति होगी। तो ज़रूरत है अपनी समृद्धियों को बदलने की। हम नेगेटिव समृद्धियाँ भरते हैं तो जीवन में दहशत और डर पैदा करते हैं। श्रेष्ठ समृद्धियाँ भरेंगे तो जीवन खुशनुमा हो जाएगा। इसी में किसी ने कुछ कहा है, जिंदगी एक हसीन खाप है, जिंदगी एक हसीन खाप है जिसे जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हमारे बीच में एक बहुत ही अनुभवी, हमारी सिक्योरिटी विंग की सेवाओं में अपना समय प्रति समय सहयोग देने वाले, अपने जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में अर्पण करने वाले हमारे शिव सिंह भाई जी, जो नेवी में कमांडर हैं, बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं और अपने जीवन को इतनी ऊंची पोस्ट में होते हुए भी कैसे स्टेबल रखा होगा। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने जीवन को बैलेंस्ड बनाकर कैसे चलें, क्योंकि बैलेंस्ड लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ। जो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं उनकी जीवन की नैया या तो मझधार में डूब जाती है या कहीं झुककर पानी में चली जाती है। इसीलिए अपने जीवन को कैसे और हम अच्छा सा इन्होंने बनाया, ये अपना वक्तव्य हमारे आगे रखेंगे शिव सिंह भाई जी। ओम शांति। आज ये जो सत्र रखा है, ऐसे तो हम तनाव पर बात कर रहे हैं, दुनिया में सब समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है,
तो हमें ईश्वरीय ज्ञान में सिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन आज जरूर तनाव सर्वव्यापी हो गया। कुछ समय पहले मैं एक स्कूल के आगे खड़ा था और एक छोटी बच्ची उस स्कूल से बाहर निकल रही थी, शायद तीसरी क्लास में होगी। तो जैसे हम कभी यात्रा पे जाते हैं और बहुत सामान होता है, तो हमारे सामान के बैग के नीचे पहिए होते हैं, तो उसके स्कूल के बैग के नीचे पहिए थे और उसको घसीट के लेकर आ रही थी। तो जीवन का एक ऐसा भाग था जहाँ हमें तनाव नहीं होता था, बोलते थे स्टूडेंट्स लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, और आज हमने देखा कि वो एक बस एक ही फेज था, वहाँ भी तनाव हो गया और बहुत तनाव हो गया। मेरा एक दूसरा दोस्त शेयर कर रहा था कि उसकी पूरी इंजीनियरिंग का खर्चा जितना हुआ, उसकी बेटी की लोअर केजी और अपर केजी में उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो इसमें ना केवल बच्चे तनाव में हैं, माँ बाप भी तनाव पर। तो सब जब सब जगह तनाव है तो सब लोग कोशिश तो करते हैं कुछ ना कुछ तरीका निकालें। तो आजकल सबसे ज़्यादा जो एक इलाज निकालते हैं और गवर्नमेंट भी उसको बहुत प्रोपोगेट करती है, वो है योगा, कि योगा से कैसे हम बेहतर बने, तंदुरुस्त बने। मैं आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग फोर्सेस में, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में कई जगह प्रोग्राम करते हैं, और 4-5 साल पहले हम लोग सियाचिन में प्रोग्राम करने गए। आप जानते हो कि भारत में अगर सबसे मुश्किल स्थान कोई है तो वो सियाचिन है। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती होगी, तो शायद 6 डिग्री 5 डिग्री तक पहुँचता होगा टेम्परेचर। सियाचिन में -30 -40 डिग्री पहुँचता है। तो जब हम वहाँ प्रोग्राम करने गए तो वहाँ के ब्रिगेड कमांडर बोल रहे थे कि नवंबर से मार्च 3-4 महीने ऐसे होते हैं जब वहाँ इतना बर्फ़ जमती है, और हमारे जो जवान हैं वो बहुत हाइट्स पे 21,000 फुट 20,000 फुट के ऊपर पॉकेट्स में सिक्योरिटी के कारण रहते हैं, और 3-4 महीना वो पूरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। उनको जो भोजन मिलता है वो भी ऊपर से हेलीकॉप्टर से देते हैं। तो ऐसे समय पर जब उनको तनाव होता है तो वो क्या करेंगे, योगा में आप देखते हो सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना। तो 20,000-21,000 पे जब आप सांस अंदर लेओगे तो क्या होगा, उधर हवा है नहीं, तो क्या आएगी, सिर्फ ठंडी आएगी। तो फिजिकल योगा की अपनी लिमिटेशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि योगा से शायद हमारा तनाव दूर हो जाएगा। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, शरीर को बहुत उसका फ़ायदा होता है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। कई सारे आसन हैं, हर कोई कर नहीं सकता। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप बुजुर्ग हो, या और भी कई सारे आसन जो इतने मुश्किल होते हैं सब कोई कर नहीं सकते। तो ऐसे समय पर जहाँ फिज़िकल योगा और फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वहाँ मेडिटेशन या राजयोगा काम आता है। और ये हमने देखा है कि आज मेडिटेशन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो सिविल लाइफ में हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो फौज में हो, सब जगह हमने देखा मेडिटेशन का बहुत बहुत यूटिलिटी है, बहुत फ़ायदा होता है। सब लोग सोचते थे मिलिट्री जहाँ लड़ाई सिखाते हैं और आध्यात्मिकता जहाँ शांति सिखाते हैं, ये दोनों विपरीत है। आध्यात्मिकता की कोई मिलिट्री लाइफ में या पुलिस लाइफ में क्या ज़रूरत हो सकती है। तो कुछ समय पहले हमारे पास एक प्रपोजल आया था कि जो सबसे अच्छे हमारे शूटर्स होते हैं, जो स्नाइपर्स बोलते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में बड़ी अच्छी शूटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की। तो वो हमारे ORC में कुछ कोर्स करना चाहते थे जिससे कि वो एकाग्रता अपनी बढ़ाए। तो सबसे अच्छे शूटर, मिलिट्री के सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे भी हमने देखा आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि उसके द्वारा जो शक्तियाँ मिलती है, चाहे वो एकाग्रता की हो, चाहे वो पेशेंस की हो, ये जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। और इस आध्यात्मिक नॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए अगर आप ऐसे जीवन में किसी की प्रॉब्लम्स सुनाओ तो आप 1, 2, 3 ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये सरकमस्टेंस है, ये व्यक्ति है, बहुत सारी चीज़ें आप सुना सकते हो, 1 से 1,000 सुना सकते हो। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता में सिखाया जाता है हम अपने ऊपर काम करें, अपने को सशक्त बनाएं। एक रोड पे एक एक कंकड़ है, कितने कंकड़ को आप निकालते रहोगे। बेहतर तरीका है कि आप एक अच्छे शूज़ पहनो और बड़े आराम से आप जाओ। तो ऐसे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, अगर आप सशक्त होते हो तो आप सारी चुनौतियों को बड़े आराम से ओवरकम कर सकते हो, और यही आध्यात्मिकता सिखाती है। क्योंकि ये आसान है, सरल है,
इम्प्लीमेंटेबल है अपनी लाइफ में, और जहाँ रहते हो घर गृहस्थ में, नौकरी में, धंधे में, आप वहाँ रहकर इस आध्यात्मिकता से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। इसलिए आज की दुनिया में, आज के समय में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। थोड़ा सा हम समय निकालें स्ट्रेस या टेंशन को मिटाने के लिए, बस एक लेटर और जोड़ दें ए, तो अटेंशन हो जाएगा। अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन रखते हैं तो हमारे जीवन का सारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। और ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, मुझे 25 साल मिलिट्री लाइफ में हो गई, और इस आध्यात्मिकता के बल से कोई भी सिचुएशन आए, सर्कमस्टांस आए, बड़े आसानी से हम ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चंद शब्दों में ही अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि हम कैसे अच्छे जूते पहनकर अपने जीवन की लाइफ को अच्छा चला सकते हैं। इसलिए अपने आप को अंदर स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। समस्याओं का काम है आना और जाना, समस्या ठहरती नहीं है। सिर्फ हम ठहर जाते हैं तो जीवन उलझ जाता है। तो अभी हमारे बीच में आनंदमय घोसला जी जो ब्रिगेडियर हैं, हम इनसे अनुरोध करेंगे, ये भी कुछ चंद शब्द, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। आनंदमय भाई। ओम शांति। मेरा नाम आनंदमय घोषाल है। मुझे 36 साल भारतीय नौसेना में देश सेवा करने का मौका मिला, और रिटायरमेंट के बाद अब रूहानी सेवा का मौका मिला है। और भाई बहनों के कंपैरिजन में मैं बहुत थोड़े टाइम से ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ता है और जो प्राप्तियाँ हमको होती है, हर एक कोशिश रहती है कि हम और दूसरों को कैसे ये प्राप्तियाँ शेयर करें। तो ऐसे ही हर सेंटर्स में सेवा होती है, और ब्रह्म कुमारी संस्थान की करीब 19 विंग्स हैं, और जहाँ भी बातचीत होती है तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो तालमेल बैठता है। तो इसीलिए जैसे मेडिकल विंग है तो उसमें फैकल्टी, ऑडियंस सब डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही अगर इंजीनियर्स की है तो वैसे होते हैं, रूरल विंग, यूथ विंग ऐसे हैं। और इसी तरह से हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है जिसका प्रोग्राम हो रहा है, और उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर शुक्ला दीदी हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो मेरे को एक छोटे समय में बहुत चांस मिला, करीब 10-15 जगह जाके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री, जेल, इनके साथ सेवा करने का। ये बिल्कुल नया अनुभव है, क्योंकि जब मैं फ़ौज में था तब करीब 25 देशों में गया, तब जब भी ट्रैवल करता था, और चूंकि मैं कॉमोडोर पद पर रिटायर किया जो कि ब्रिगेडियर या डीआईजी के बराबर है, तो जाने के पहले सब व्यवस्था सारे लोग कर देते थे। लेकिन अभी ये अचंभा होता है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ भी पता नहीं होता है, किसी को भी नहीं जानते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं कौन सा सेंटर है, कौन सी दीदी है, पुलिस पैरामिलिट्री कहाँ है, कौन लेने आएगा, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथली होता है कि पूरा अचंभा होता है। एक चीज़ एक इनसे हम लोग हर जगह जाते हैं तो हर जगह नए नए लोग मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम गए थे बगाहा में, बिहार नेपाल बॉर्डर के पास प्रोग्राम करने, तो वहाँ पे जो बहन थी उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया, और हम एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाते रहते हैं जब प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो जितने सेंटर्स में ले जा सकते हैं हम लोगों को ले जाया जाता है। तो वहाँ पे एक यंग कपल थे, उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, और वो हम कहीं जा रहे थे तो वो शेयर कर रहे थे, वो भाई मेरे से शेयर कर रहे थे कि ये जो मेरी वाइफ है ये मेंटल डिप्रेशन में थी। तो भाई ने बताया कि कैसे स्ट्रेस आता है और सुसाइड वगैरह के लिए, तो यहाँ देखा कि ये बहन जो थी, यंग थी, दो छोटे छोटे बच्चे,
इन्होंने अपनी तरफ से हर तरफ से कोशिश की सुसाइड करने की, कभी रिस्ट काट दिया, कभी गैस ऑन करके छोड़ दिया, कभी फांसी लगाने की कोशिश की, तो ये सब अटेम्प्ट हो रहे थे। और वो डिप्रेशन में थी, कभी कभी फर्स्ट फ्लोर से अपने दोनों बच्चों को धक्का दे के फेंक देती थी, उनकी हड्डियाँ टूट जाती थीं। तो ये सब होते, ये जो भाई थे इनके फादर ने कहा कि तुम इसको डाइवोर्स कर दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। वो नहीं माने, लेकिन जब ये घर ढूंढते थे तो कोई भी लैंडलॉर्ड इनको घर देने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो बोलता था ये मर जाएगी तो हम पुलिस केस में फंस जाएंगे। तो ये हालत थी। फिर उसको मेडिकेशन था, जब तक मेडिकेशन रहता था मेडिकेशन के प्रभाव में वो सोती रहती थी, और जैसे ही जागती थी फिर वॉयलेंट हो जाती थी। फिर किसी तरह से ये ब्रह्म कुमारी सेंटर में पहुंच गई और इन्होंने अपना वहाँ पे कोर्स किया और वहाँ पे अपनी सेवा शुरू की। सिर्फ 3 महीने में इन्होंने अपनी दवाई छोड़ दी, इनके हस्बैंड ने कहा, उनकी सुसाइडल टेंडेंसी सब चली गई। और फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मेरे को भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। तो मैंने उस भाई से पूछा कुछ हुआ, बोलता हाँ, मैं इनको जब भी बोलता था कि मेरे कामकाज में ये प्रॉब्लम है और ये पता नहीं क्या करती थी, 85% प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो जाते थे। फिर मैंने उनसे पूछा फिर आपने क्या किया, बोला फिर करना क्या था, मैंने जब ये चमत्कार देखा तो मैं भी इसी लाइन में जुड़ गया। तो इस राजयोग के बारे में दीदियों ने सब ने बताया, इसमें इतनी शक्ति है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद ये दोनों जुड़ गए और ये योगी खेती करते थे और जितने उनकी उपज है वो सेंटर में लेके आते थे। गोभी आलू, उन्होंने हमको आलू दिखाया जो 1 आलू 1 किलो वजन का, और उसमें कोई खाद नहीं कुछ नहीं, सिर्फ योगिक खेती, तो वो अलग सब्जेक्ट है। तो ऐसे ऐसे कमाल देखने को मिलते हैं और मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि ये ज्ञान मिला। अब ये सोचता हूँ कि अगर ये पहले मिल जाता तो मेरी नौकरी के दिनों में जो स्ट्रगल थी वो ईजी हो जाती और लाइफ और स्मूथ रहती, लेकिन अभी भी भाग्य इतना अच्छा मिला है कि इतनी जगह जाने को मिलता है और इतने इतने अच्छे अनुभव मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। भाई साहब ने बहुत अच्छा ही बताया कि मेडिटेशन से कैसे हमारा स्ट्रेस खत्म होता है और कैसे लोगों को इसके बेनिफिट्स हुए हैं। अभी बस हम अंतिम कड़ी की ओर हैं। हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार भाई जी, जो 15 साल से रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और यही 50 में ही हमारी एक ब्रह्मा कुमारी इस ब्रांच है, इनके नेतृत्व में वो चलती है, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी, बहुत ज़्यादा वैल्यू सिस्टम लिए हुए हैं, तो हम इनको कहेंगे कि ये सबका वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। राजकुमार भाई, ओम शांति। कहते हैं कि पूंजीवाद, साम्यवाद, डिवीजनवाद, सबसे सुंदर कौन सा वाद है? धन्यवाद। तो इस धन्यवाद की श्रृंखला में सबसे पहले हम सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा, जो हम सभी भाई बहनों को निमित्त बना करके ये कार्यक्रम सफल करवाया, तो सबसे पहले हम उनको दिल से परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। इस स्वागत धन्यवाद की श्रृंखला में डागर भाई जी, जैसे परमात्मा को कहते हैं ना वो जादूगर है, तो इनके अनुभवों से हम सुन रहे थे कि परमात्मा की जादूगरी कितना वंडरफुल है। परमात्मा कहते हैं कि ये स्ट्रेस ऐसे ही है जैसे लाइट को ऑन करो तो उजाला हो जाती है, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाती है। तो जो इतनी अंधेरे में थे, परमात्मा की ये जादूगरी के द्वारा कितने रोशनी में आए, उसका हमें थोड़ा सा ये शेयर किया उन्होंने, जिससे मैं समझता हूँ कि सभी सभा में सबको ये टेक्निक मिली होगी। तो मैं डागर भाई साहब को भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे तनवीर आईएएस जो हमारे बीच में अभी नहीं है,
वो काफ़ी आ करके हमारी सभा को रौनक बढ़ाया और साथ साथ में इंस्पायर भी किया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। थापर जी भी, वो भी आकर के हमारी सभा को शोभा बढ़ाए, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। और नृत्य, कहते हैं नृत्य तो मृत्यु को भी जिंदा कर देता है। हमारे बीच में सिस्टर शिवानी और फ्रांस से आई हुई बहन काफ़ी आकर के हमारे स्ट्रेस लेवल को कम जीरो कर दिया, तो इनको भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रीति दीदी, राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमें गहन शांति का अनुभूति करवाया, तो हम प्रीति दीदी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। शुक्ला दीदी, कहते हैं ना कि बड़ों की उपस्थिति और हमारी स्थिति, उनकी अवस्था और यहाँ की व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। दीदी की बातों से लग रहा था कि यदि स्थिति श्रेष्ठ है तो कई भी परिस्थिति हमारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकती है, तो दीदी की आना ही हमारे जीवन से स्ट्रेस को दूर होना, दीदी ने आकर के हमारी काफ़ी व्यवस्था को अवस्था को बनाया, इसलिए शुक्ला दीदी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में आज कमांडर चीफ, और मैं समझता हूँ कि सैनिकों को, कमांडरों को इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में कितना फेस करते हो, तो हमारे बीच में सभी उपस्थित थे और इनके अनुभव से लगे जब इन्होंने ऐसे ऐसे केसेस में भी अपनी अवस्था को बिगाड़ा नहीं और अपनी सच्ची एक्सपीरियंस के द्वारा कितनी ये हमें शेयर किया कि स्ट्रेस कोई भी नहीं, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो लेकिन स्थिति श्रेष्ठ है तो हमारा जीवन में स्ट्रेस नहीं आ सकता। भाई सब को, ये शिव सिंह भाई जी को, आनंद भाई जी को भी, कि सैनिक तो पहले भी थे और आज भी हैं, फर्क ये है कि वहाँ पर लड़ाई किस बात की थी और यहाँ पे भी अभी भी लड़ रहे हैं और हमें लड़ना सिखा रहे हैं, जो स्ट्रेस का मूल कारण है काम क्रोध लोभ, उससे भी अभी भी हमें छुटकारा दिला रहे हैं। तो भाई साहब आपका भी और आनंद भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी लीना दीदी, अच्छी कोऑर्डिनेशन की के द्वारा हमारी 2 घंटे, इवन कहेंगे कि हमारा 3 बजे से कार्यक्रम था, हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ने नहीं दिया, हम इनको भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। बाकी हमारा स्वागत ग्रुप और व्यवस्था ग्रुप को भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। राजकुमार भाई का भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सबका खून बढ़ा दिया, खुश कर दिया, इतने सुंदर शब्दों से इन्होंने धन्यवाद किया, दिल से किया कि इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से राजकुमार भाई जी आपका भी धन्यवाद। बहुत मेहनत से इन्होंने गेस्ट को और सब लोगों को कॉन्टेक्ट किया है और इनकी लगन इनके शब्दों से झलकती है। कहते हैं जिंदगी उसी को अजमाती है, जिंदगी उसी को अजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, जिंदगी उसकी है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है, सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो हमने राजयोग के माध्यम से अपने जीवन में सदा मुस्कुराने का संकल्प लिया ही होगा। अभी हम लास्ट में 2 मिनट के लिए परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे। ओम शांति।